संत गुरुदेव महाराज की जय। जय जय श्री राधे। राधे गोपाल गोविंद राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल हे गोपाल
शांति के लिए सभी खड़े हो जाए। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है I'm not afraid of the dark.
हेलो हेलो हरे हरे बोल ओम अज्ञानति विरांदस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियतमे शिशिवद्भक्तिवेदान्तो नारायणसंहितनामने सर्वसंवैष्णवदेव नित्यलीलाप्रदर्शन ओम विष्णुपादस्तुपुष्ट शिशिवद्भक्तिवेदान्त नारायण दशरथ महाराज जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंड ज्ञापन करते हुए मंचासीन शिष्टा गुरु भक्तिवेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंड ज्ञापन करते हुए और पूज्यपाद बंसी बदन प्रभु जी के चरणों में कोटि कोटि दंड ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात वृंदावन से आए हमारे समस्त वस्तुओं के चरणों में कोटि कोटि उपस्थित भक्त मंडली माताएं बहने वैष्णव वैष्णवी सभी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत ज्ञापन करता हूं। आज श्रीमद् भागवत का चौथा दिवस है। बहुत सुंदर तरीके से सिद्धांतों को स्थापित करते हुए बीच बीच में कुछ विनोद करते हुए महाराज और वैष्णव लोग कथा सुना रहे हैं, क्योंकि भक्ति में जो आनंद है और किसी साधन में नहीं। साधन बहुत है, कोई तपस्या करता है, कोई व्रत रखता है, कोई दंडवती करता है, कोई आग बनाकर गोला बनाकर के बीच में योग अभ्यास करता है, कोई प्राणायाम नियम आसन इत्यादि से भगवान को पाना चाहता है। बहुत सारे पथ हैं, परंतु भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ पथ और सर्वश्रेष्ठ योग है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का भी डर नहीं है, किसी प्रकार की भी दुर्घटना होने की कोई संभावना नहीं है। जिस प्रकार से किसी पथ पे यदि डिवाइडर नहीं बना हुआ है, उसमें आने वाले भी और जाने वाले भी एक साथ आ रहे हैं जा रहे हैं, वन वे पथ तो एक है लेकिन डिवाइडर नहीं बना, तो उसमें आना जाना जो है लगा हुआ तो एक्सीडेंट होने की संभावना बनी रहती है। ऐसे ही दूसरे पथ जितने भी हैं वो इसी प्रकार के हैं, परंतु भक्ति का पथ ऐसा है ये वन वे है बिल्कुल, मतलब इसमें जाने वाले ही जा सकते हैं, आने वाला कोई नहीं आएगा। सरल पथ निष्कंटक, किसी प्रकार की कोई घाटे नहीं है, किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं है, बड़े प्रेम से इसमें चल सकते हैं। हमारे आचार्य वर्ग सुंदर सरल जो हरि नाम है, जो वेदों का ज्ञान है, वो बड़े सुंदर रूप से यहाँ प्रकट करते हैं। वो कलयुग का जो हरि नाम आप सबने सुना है, एक बार सब उच्चारण करेंगे मेरे साथ, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 कृष्णा
हरे हरे, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, हरे राम, हरे राम, राम राम, राम राम, हरे हरे, हरे हरे। महान महान संत हुए, महान महान भक्त हुए, उनमें से एक महान संत हैं, महान भक्त हैं, जिनका नाम है जयदेव गोस्वामी जी। जयदेव प्रभु हमारे यहाँ आए, उनको देखकर याद आया, इसलिए आज उनकी थोड़ी सी कथा मैं कहने का प्रयास करूंगा। जयदेव गोस्वामी जी के जो माता पिता, वो कान्हे कुछ ब्राह्मण बंगाल में जाकर बसे, वीर भूमि में, केंदु बेलु ग्राम में, और वहां इनका जन्म हुआ। बोलो जयदेव गोस्वामी महाराज की जय। जयदेव गोस्वामी जी बचपन से ही, क्योंकि साक्षात भगवान के जो पार्षद होते हैं, यहाँ लीलावत नरवत लीला जरूर करते प्रतीत होते हैं, परंतु निरंतर हरि नाम में, निरंतर भगवान की लीला गुण नाम में अपने आप को संलग्न करके रखते हैं। तो ऐसे ही जयदेव गोस्वामी जी हमेशा अपने चित्त को भगवान की लीला में, भगवान की हर प्रकार की स्मृति बनी रहे, बचपन से ही गुणगान किया करते थे, गीत गाया करते थे, और कुछ ही समय में वो इतना सुंदर सुंदर अष्टपदी लिखने लगे, जिससे आज पूरा गौड़िया समाज ही नहीं, समस्त वैष्णव समाज उससे लाभ उठाता है। गीत गोविंद नामक जो उन्होंने ग्रंथ लिखा, और भी बहुत कुछ उन्होंने लिखे हैं, लेकिन गीत गोविंद का, क्योंकि जगन्नाथ जी हैं और यदि उनका जिक्र ना हो तो थोड़ा सा रस का अभाव सा प्रतीत होता है, इसलिए आज जयदेव गोस्वामी जी की बात स्मरण हो आई। बोलो जयदेव गोस्वामी महाराज की जय। समय बीता, जयदेव गोस्वामी भी मात्र अभी 16-17 वर्ष के थे, माता पिता का देहांत हो गया। जो विरक्त संत हैं, उन्हें किसी प्रकार की भी असुविधा ना हो भजन में, क्योंकि नारद जी के भी उपाख्यान में हम देखते हैं कि नारद जी छोटे से बालक थे तो उनकी माता का देहांत हो गया, किसी सर्प ने डस लिया, और नारद जी दुखी तो थोड़ा तो हुए कि चलो माँ है, लेकिन अंदर से पसंद भी हुए, चलो एक जो संबंध था या आसक्ति थी वह कट गई, अब मैं आनंद पूर्वक जो हरिनाम करूंगा। ऐसे ही ये हरिनाम कर रहे थे अपने ग्राम में, एक ब्राह्मण जो चतुर ब्राह्मण था, उसको कुछ चालाकी सूझी, उसके स्मरण हो आया कि जयदेव गोस्वामी जी ने, जयदेव गोस्वामी जी के पिताजी ने मुझसे कुछ पैसे मांगे थे और वो कुछ पैसे दिए भी थे। पैसे इतने नहीं थे जितनी उसकी चालाकी ज्यादा थी। चालाकी करते हुए पहुंचा जयदेव गोस्वामी के पास और ये हरिनाम कर रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और उस ब्राह्मण ने कहा, जयदेव तुम्हें शायद ज्ञात हो या ना हो, तुम्हारे पिताजी ने मुझसे ऋण लिया था, और वो ऋण इतना ज्यादा था कि जो तुम्हारा ये घर है, ये जो आंगन आश्रम है, इसको भी दे दोगे तो भी उसकी पूर्ति नहीं हो पाएगी, लेकिन मैं खैरा ब्राह्मण दयालु कृपालु, इसीलिए मात्र तुम्हारे इस घर को लेकर के मैं ऋण कर दूंगा तुम्हें। तो जयदेव गोस्वामी सरल संत, उन्होंने किसी प्रकार की भी कोई भी संकोच ना करते हुए कहा, ठीक है ब्राह्मण देव, जैसी आपकी आज्ञा, लाइए कहां दस्तखत करने हैं, और उन्होंने दस्तखत कर दिए। तत्क्षणात घर को छोड़ करके चल दिए और जाकर के गांव से बाहर एक कुटिया बनाकर रहने लगे। कुटिया भी नहीं बनाई, अभी तो वन में भटक रहे थे, एक वृक्ष के नीचे एक रात्रि गुजारते और कहीं उस वृक्ष से आसक्ति ना हो जाए, उस वृक्ष को अगले दिन त्याग देते और अन्य वृक्ष के नीचे जाकर हरिनाम करते। यहां पर वह ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हो रहा है कि मैंने जयदेव का घर भी ले लिया,
अब तो मेरे पास संपत्ति बढ़ रही है। यहां जयदेव जी को तनिक भी चिंता नहीं कि मेरा घर चला गया और वह हरिनाम में निमग्न है। तभी वो ब्राह्मण वहां देखने आया, चलो जयदेव गोस्वामी को देखता हूं क्या कर रहे हैं, किस हालत में है, घर बार तो छूट गया, अब क्या कर रहे हैं देखता हूं। तो वो पहुंची वन के अंदर, ब्राह्मण आए जयदेव गोस्वामी को देखने के लिए और पूछ रहे जयदेव कैसे हो। जयदेव गोस्वामी बोल रहे हैं पूर्ण आनंद में प्रसन्नचित्त होकर के कह रहे हैं कि मुझे जो तुमने आनंद प्रदान किया है उसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। वो कैसे, वो ऐसे मेरे को दो वस्तु मिली, क्या, पहली तो ये जो पिता के ऊपर ऋण था, मैं ऐसा पुत्र हुआ कि मैंने उनको ऋण कराया। दूसरा इस संसार के समस्त बंधनों से तुमने मेरी आसक्ति को काट दिया, इसलिए तुम धन्यवाद के पात्र हो। जयदेव गोस्वामी की बढ़ाई कर रहे हैं। तभी उस ब्राह्मण की पुत्री दौड़ती हुई आई, पिताजी पिताजी घर में आग लग गई, घर में आग लगी है। ब्राह्मण तो एकदम आश्चर्यचकित होकर डरता हुआ भागा दौड़ा और भाग करके एकदम रोने लगा, कोई मेरे घर को बचाओ। आग इतनी तीव्र थी कि पूरा घर भस्म होने वाला था। तभी जयदेव गोस्वामी वहां पहुंचे और जयदेव गोस्वामी के पास कहा ब्राह्मण ने किसी प्रकार से मेरे घर को बचा लिया जाए तो बड़ी कृपा होगी। आप महान संत हैं, आप महान भक्त हैं भगवान के, यदि आप प्रार्थना करेंगे तो निश्चित तौर से यह अग्नि थम जाएगी। जयदेव गोस्वामी ने देखा किसी ब्राह्मण का घर जल रहा है, तो जैसे ही उन्होंने देखा जयदेव गोस्वामी ने कि ये ब्राह्मण है और इसका घर चल रहा है, अंदर से करुणा उत्पन्न होती और व्याकुल होके अग्नि से घिरे हुए घर में प्रवेश कर गए। बोलो जयदेव गोस्वामी महाराज की। और जैसे ही प्रवेश किया पूरे घर में जो दूध उगर के घर चल रहा था, आगों के लपटे जो आसमान को छू रही थी, वो जैसे ही जयदेव गोस्वामी घुसे वो आसमान में जो छूने वाली जो लपटे अग्नि की वो एकदम नीचे आ गया और देखते देखते जो घर जल रहा था थम गया, रुक गया एकदम से। ब्राह्मण को देखकर बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, अरे ये तो जयदेव गोस्वामी को साधारण नहीं, ये तो साक्षात भगवान के जो है महान भक्त है। और वो उनके चरणों में लेट गया कि हे प्रभु हे जयदेव तुम कोई साधारण बालक नहीं हो, तुम्हारी वजह से तुम्हारी कृपा से मेरा घर आज बच गया और मैंने तुमसे चालाकी की। अब जो है ब्राह्मण अंदर से सुधर गया, पिघलते हुए उसने कहा, हृदय का जो उसका पिघलना है उसने कहा हे जयदेव मैं तुम्हें तुम्हारा घर वापस लौटाता था। लेकिन जयदेव गोस्वामी ने कहा नहीं, अब मुझे किसी घर की आवश्यकता नहीं है, मुझे जो आनंद आ रहा है वनों वनों में भटकने में वो घर में का। और वो हरे कृष्णा करते निकल पड़े। बोलो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, हरे राम, हरे राम, राम राम, राम राम, हरे हरे, हरे हरे। अब वहां से चले जगन्नाथपुरी, जगन्नाथ जी भगवान का दर्शन किया और बड़े आनंद पूर्वक जगन्नाथ जी के वनों में भ्रमण करते हुए हरिनाम करते रहते हैं। कुछ समय पहले एक ब्राह्मण देव ने जगन्नाथ जी के यहाँ प्रार्थना की थी कि मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है प्रभु, जो भी पहली संतान होगी वो मैं आपको दूंगा। उस ब्राह्मण के एक पुत्री हुई पहली संतान, और जब वह 12-13 वर्ष की हुई तो वो ब्राह्मण पुनः पहुंचा जगन्नाथ जी के पास, कहा प्रभु मेरे यहां पुत्री हुई है और ये आपके लिए है, इसे वधू बना के आप रखें, सेविका बना के रखें,
दासी बनाकर रखे, कैसी व्रती है आपकी? तो जगन्नाथ जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की। रात्रि में ब्राह्मण को स्वप्न दिया, हे ब्राह्मण देव, यही जगन्नाथ जी के मनों में एक महान भक्त है मेरा, जयदेव गोस्वामी। जयदेव गोस्वामी, और वो मेरा अभिन्न भक्त है, इसलिए उसमें और मुझमें ज्यादा भेद नहीं है। मेरा ही स्वरूप मानना और तुम अपनी पुत्री को जाकर के उसको देव। तो ब्राह्मण गया वनों में अपनी पुत्री को लेकर अगले दिन, और जगन्नाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त करके वहां पहुंचा। जयदेव गोस्वामी जी हरिनाम कर रहे हैं, आनंद में पूर्ण रूप से, आंखों से अश्रुपात हो रहा है और रोमावलियां खड़ी हो रही हैं, बार बार भगवान की सुंदर सुंदर लीला चित्त में आ रही है। तो ब्राह्मण ने कहा, जयदेव आप ही का नाम है? कहा, हाँ मेरा ही नाम है प्रभु। तो ये जगन्नाथ जी का आदेश हुआ है, ये मेरी पुत्री, ये आपको, आप इसका पाणी ग्रहण करें, आप इससे विवाह करें। ये सुनते ही जयदेव गोस्वामी अंदर से बड़े खिन्न हो गए कि मुझे तो अभी बहुत कुछ भजन करना है, बहुत ये गोविंद के सुंदर सुंदर अष्टपदियां लिखनी है, ये कहां से अवरुद्धता आने वाली है। परेशान हो गए और ब्राह्मण को मना कर दिया, नहीं ब्राह्मण देव, ये संभव नहीं है, मैं बाल ब्रह्मचारी और मैं अब विवाह के बंधन में नहीं बन सकता, मुझे क्षमा करें, नहीं माने। उसके बाद वो ब्राह्मण देव कहने लगे, ये मेरी पुत्री है और ये मैंने प्रण लिया था जगन्नाथ जी को देने के लिए, अब जगन्नाथ जी ने आदेश दिया आपको देने के लिए, तो मैं कहां जाऊं, मैं कुछ नहीं जानता, इसका नाम पद्मावती है, अब आप इससे पाणी ग्रहण करें, चाहे इससे ना करें, ये आपके पास ही रहेगी। ये कह करके ब्राह्मण देव चले गए। अब पद्मावती को छोड़ के जब गए तो जयदेव गोस्वामी जी ने पूछा, देखो पद्मा, तुम क्या चाहती हो? मैं फक्कड़ आदमी, मेरे पास खाने पीने तक का कुछ नहीं है, खाने पीने को छोड़ो, रहने का ठिकाना नहीं है, तुम्हें कहां रखूंगा? तुम इतनी सुंदरी हो, तुम चाहो तो एक से बढ़कर एक राजकुमार तुम्हें मिल जाएंगे, सुंदर रूप वाले, गुण वाले तुम्हें ब्राह्मण देव मिल जाएंगे, तुम उनसे जो है विवाह करो। पद्मावती ने कहा, नहीं, मेरे पिता और भगवान की और मेरी भी आंतरिक इच्छा यही है कि मैं आपकी सेविका बनकर रहूं, मुझे संसार में और कोई भी आपके अलावा पति लायक कोई भी इंसान नहीं समझ पाता। तो उन्होंने कहा, ठीक है, जब तुम्हारी इच्छा है, और उनका भक्तिभाव देख करके उन्होंने उनको स्वीकृति दी। तब जाकर के उन्होंने एक झोपड़ी बनाई, झोपड़ी बनाकर के वहां हरिनाम करने लगे, बड़े आनंद से रहने लगे। कुछ समय बाद एक राजा ने जयदेव गोस्वामी जी को बुलवाया। जयदेव गोस्वामी जी ने बड़े सुंदर सुंदर वहां पर अष्टपदियां गाई। वहां राजा ने बड़े प्रसन्न होकर के उनको चार अशर्फी दी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब उन्होंने उनकी चादर में बांध दिया, उसको चादर में जो बांध दिया तो मना करते हुए भी अब वो चल पड़े, ठीक है भाई तुम्हारी इच्छा। वहीं पर कुछ ठग थे, उन्होंने देख लिया कि जयदेव गोस्वामी जी को आज धन मिला और ये धन हमें लूटना है, तो उन्होंने नगर से जैसे ही बाहर निकले जयदेव गोस्वामी वनों से जाने लगे, तभी रोक लिया, हे जयदेव, तुम्हारे पास ये जो भी धन है हमें दे दो। तो जयदेव गोस्वामी तो वैसे ही बहुत सरल थे, किसी चीज की आकांक्षा नहीं थी, उन्होंने कहा, ठीक है तुम ले लो भाई, ये तो वैसे ही मेरे लिए बोझा ही है। खोलकर चादर दे दी, उसमें चार जो अशर्फियां थी उसे खोल दिया। फगो ने सोचा कि ये जो है हमें फंसा रहा है, क्या कर रहा है ये इंसान, अभी हमें अभी तो दे देगा अशर्फियां, और जब नगर आएगा, जिस नगर में उसको जाना है, वहां पर हमें पकड़वा देगा। तो उसने क्या किया, चारों ठगों ने क्या किया, अशर्फी ले ली और जयदेव गोस्वामी के हाथ पैर काट दिया, हाथ पैर काट करके गड्ढे में गिरा दिया।
और वहां पर ये गिरे हुए खून से लथपथ हुए और हरिनाम करे जा रहे हैं, भगवान का स्मृति बनी हुई है बड़ा सुंदर तरीके से। तभी उस समय बाद एक दूर से वहां पर लक्ष्मण सेन नामक राजा आए और उन्होंने सुना किसी खड्डे से आवाज आ रही है भगवान की, बहुत सुंदर सुंदर हरिनाम चल रहा है, भगवान का कुछ स्वर से कोई रोते रोते जो हरिनाम कर रहा है। वहां पहुंचे देखा, अरे ये क्या, भगवान का नाम ले रहे हैं और खून से लथपथ। एकदम से सैनिकों को भेज करके उनको खड्डे में से बाहर निकाला और उनके हाथ पैर में जहां भी घाव थे उनको किसी चादर में से ढक करके एक पालकी में बिठा करके उनको अपने राज्य में ले गए। वहां पर जाकर के उनकी बड़ी सेवा की। सेवा करने के बाद वो बड़े प्रसन्न हुए जयदेव और उनका ये स्थिति किसने की, देखो भक्तों की कितनी बड़ी कृपा है कि उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने कहा मैं तो जन्मजाति ऐसा हूं, ये तो भगवान ने ऐसा कर दिया कि हरिनाम जो है निरंतर चलता रहता है, अन्यथा मैं तो इस लाइफ में नहीं, किसी का नाम नहीं लिया, किसी ठग का नाम नहीं लिया। अब थोड़े दिन हुए, 2-4-6 महीने वहीं पर रहे, उनका इलाज हुआ बड़ा सुंदर तरीके से, रोज सुबह शाम कथा कीर्तन होने लगा। वहां पर उस राजा का भी यश बढ़ गया, क्यों, साक्षात भक्त है, महान संत है और वहां पर चारों दिशाओं में दूर दूर से लोग बाग भी आने लगे, कथा सुनने लगे। और इन चार ठगों को पता चला कि लक्ष्मण सेन जो है बहुत अच्छा राजा है और वो श्रद्धालु संत फकीर कोई भी जाता है तो उसे कुछ ना कुछ दान देता है। ये ठग भी क्या किया उन्होंने, साधु का वेश बनाकर वहां पहुंच गए, कंठी तिलक लगाकर वहां पहुंच गए। अब राजा के पास जब गए और महाराज बैठे हुए हैं, जयदेव गोस्वामी जी को बड़ा सुंदर आसन प्रदान किया हुआ है माला पहना करके, वो निरंतर हरिनाम और भगवान की लीलाओं में अपने आप को उन्होंने ढाला हुआ है। तो उन्होंने कहा, इन चारों को देख करके राजा को इशारा किया, ये चारों जो है मेरे विशेष मेहमान, इनका आतिथ्य सत्कार बहुत अच्छे से कीजिएगा, इनको जाने मत दीजिएगा, बहुत अच्छे से आतिथ्य सत्कार करना। इनको ले जाकर राजा ने बहुत सुंदर तरीके से आतिथ्य सत्कार किया, खाना पीना। अब वो सोच रहे हैं कि ये जो जयदेव है इसने हमें पहचान तो लिया और ये राजा से हमें मरवा देगा, तो उन्होंने सोचा आप जल्दी जल्दी यहां से निकलना चाहिए। तो राजा से बार बार वो पूछते हैं, अब हमें जाने दीजिए, अनुमति मांगते हैं और राजा बार बार मना करता है। गुरुदेव ने मना किया है, गुरुदेव ने कहा है इन्हें अंत में भेजिएगा और सब कुछ अच्छे से होने के बाद जो खुश हो जाएंगे तब भेजेंगे। अब इनको तो घबराहट होने लगी कि आज तो बुरे फंसे, अच्छे आए हम इधर। तो अंत में जयदेव गोस्वामी ने राजा को इशारा करके बुलाया और कहा तुम एक काम करो, तुम इन्हें सबसे ज्यादा दान दो, वस्त्र अलंकार सब कुछ दो इन्हें और इनको विदा करो। राजा ने सोचा ये हो ना हो गुरु जी के बहुत ज्यादा घनिष्ठ है, तो उसने भी बहुत अच्छे से आदर किया, एक से बढ़कर एक अलंकार प्रदान किए, वस्त्र प्रदान किए और तो और बैलगाड़ियों में बहुत सारी चादरें वस्त्र इत्यादि धन इत्यादि रख करके, फल फूल रख करके उनके साथ विदा किया। कुछ सैनिक भी भेज दिए कि आपको छोड़कर आएंगे। अब ये जब चले गए, राज्य से बाहर निकले, तब इनकी सांस में सांस आई, तब उन्होंने सोचा वो बचे, ये तो आज बड़ी कृपा हुई, देखो इतना सारा धन हमें मिल गया और तो और हमारी जो है हमारे इतना आदर मिला और हमें छोड़ने के लिए भी सैनिक हमें आ रहे। अब सैनिकों ने पूछा कि आप हो ना हो बहुत ज्यादा घनिष्ठ मित्र है हमारे गुरुदेव के, क्या कारण है ऐसा जो आपका सम्मान सबसे ज्यादा किया गया है। अब ठगों ने क्या कहा, भाई क्या बताएं, तुम पूछते हो तो बताते हैं, वास्तविकता ये थी हम एक राज्य में रहते थे और ये तुम्हारे जो गुरु जी है ये भी हमारे साथ रहते थे, हम जो है मंत्री पद पे थे और ये भी मंत्री पद पे थे, हुआ क्या इन्होंने वहां कुछ चोरी या कुछ गड़बड़ी की और राजा को पता चल गया, राजा ने आदेश दिया मृत्यु दंड का कि इसको मार दो। हम चारों ने क्या किया, इसको पकड़ करके वन में लेकर गए। अब क्योंकि हमारे साथ रहता था दया थी, तुमने मारा नहीं, इसके हाथ पैर काटे बस और इसको डाल दिया। तो सैनिक बोल रहे अच्छा इतना सुनना था
कि वो चार फट जो आगे जा रहे थे जमीन फट गई, और जमीन फटी उसमें चारों वो समा गए और सैनिक जो पीछे थे वो बच गए और वो वहीं दफन हो गए। वो वापस आए सब कुछ दौड़ते दौड़ते और आकर के राजा को सारी कथा सुनाई, गुरुदेव को सारी कथा सुनाई, ऐसे ऐसे हो गया। गुरुदेव जयदेव गोस्वामी जी जो बड़े ही व्याकुल हुए, अंदर से दुखी हुए, उन्होंने अपने हाथ पैरों को ऐसे से रगड़ा, एकदम से उनके पुनः हाथ पैर वापस पकड़ हुए। बोलो जयदेव गोस्वामी महाराज की जय। अब गंगा जी के पास ये रहते थे और वहां पर जो है कुटिया बना करके हमारे नवदीप में जो गए होंगे ने देखा होगा जयदेव गोस्वामी जी का आश्रम, उधर ये गीत गोविंद का पद लिखते थे। तो एक बार क्या हुआ, लिख रहे थे स्मर करल खंडनम मम शिरसी मंडनम, आगे का लिखे या ना लिखे इस दुविधा में रुक जाते थे। देई पद पल्लव मुदारम, ये लिखूं या ना लिखूं ये सोच रहे थे। और पद्मावती अपनी पत्नी से पूछा कि मैं इस दुविधा में हूं इसको लिखूं या ना लिखूं। तो उन्होंने बोला तुम एक काम करो, समय बहुत हो गया, तुम जाके पहले स्नान करके आओ। जयदेव गोस्वामी जी का नियम था गंगा जी में जरूर स्नान करके आते थे। तो बोला ठीक कह रही हो, मैं पहले स्नान कर लू और तब गंगा जी का आशीर्वाद जो होगा, भगवान का जो आशीर्वाद होगा तब मैं इसे पूरा करूंगा। और वो गए स्नान करने के लिए, तभी पद्मावती ने देखा कि जयदेव गोस्वामी जी वापस गेट तक गए होंगे आश्रम के और दौड़ करके वापस आए और कहा हे पद्मा जल्दी से वो मेरा किताब लेकर आओ, कॉपी लेकर आओ, मुझे वो याद आ गया क्या लिखना है, और उसको पूरा करके चले गए। गए नहीं, गए नहीं, उसके बाद उन्होंने कहा चलो मैं अभी इधर स्नान कर लेता हूं, बहुत जो है समय निकला जा रहा है। वही बाल्टी से पद्मावती ने जल लाकर दिया और वहीं पर जयदेव गोस्वामी ने स्नान कर लिया। स्नान करने के बाद ठीक है अब तुम्हारा जो है अंदर की जो तुम्हें अशांति थी वो पूर्ण हो गई, तुमने लिख दिया अपना पद, बहुत अच्छी बात है, चलो मैंने प्रसाद बना लिया, प्रसाद पा लिया। अब यहाँ प्रसाद उन्होंने पाया है जयदेव गोस्वामी ने और पलंग पर जाकर लेट गए। इधर एक घंटे बाद जयदेव गोस्वामी जी जो गए थे गंगा स्नान वो वापस आए हैं, आकर के कहा कि लाओ मुझे वो पुस्तक दिखाओ मुझे लिखना है। बोला अरे अभी तो तुमने सब कुछ लिखा और प्रसाद भी पाया, अब कौन सी पुस्तक मांगते हो। मैं तो अभी गंगा स्नान किया था। तो उन्होंने बोला नहीं अभी तो आपने सब कुछ किया, यहाँ लिखा भी है और तुमने यहाँ प्रसाद भी पाया, पलंग पे भी लेटे, अब तुम कह रहे हो कि मैं अभी आया हूं गंगा स्नान करके, ये कैसे संभव है। तो एकदम जयदेव गोस्वामी को अंदर से प्रेरणा हुई, हो ना हो मेरे गोविंद खुद मेरा वेश बनाकर आए और उन्होंने इस पद को पूरा किया। तो उन्होंने जल्दी से बोला पद्मावती तुम बहुत सौभाग्यवती हो, तुम भाग्यशाली नहीं हो, मुझे अभी तक दर्शन नहीं हुए और तुम्हें साक्षात भगवान ने दर्शन दिए, जल्दी से पोथी लेकर आओ। पोथी को जैसे ही खोला उसमें देखा देही पद पल्लव मुदारम भगवान जी ने लिखा। बोलो श्री गोविंद देव जी भगवान की जय। और कहा देखो तुम कितनी सौभाग्यशाली हो, तुमने प्रसाद साक्षात भगवान को भोग लगाया, लाओ कुछ बचाओ तो मुझे भी दो थोड़ा सा। और पाकर के वो पूरा आनंदित होकर रो रो कर प्रसाद थोड़ा बहुत जो बचा था उसको पाया। बोलो जयदेव गोस्वामी महाराज की। और भी बहुत सारी लीलाएं हैं, अभी कथा होनी है इसलिए मैं ही विराम देता हूँ। वंशा कल दूसरे पास जय जय महाराज की जय। जय जय गोस्वामी की जय। जय श्री राधे श्याम हरे कृष्ण। हाँ आज आपको सामने आप इनको जानते हो? हाँ हमारे पुजारी जी है। आप लोग इनको देखे हो कभी? हाँ, कौन कौन इनको देखे हो? मैं देखा देखा। ओ आप सबके सब देखे हो सामने। ये कभी कभी मंदिर में कथा सुनाते हैं? हाँ जी। ये रोज सुनाते हैं? आज भी तो थोड़ी सी सुना है।
वंदेहं श्री गुरु श्रीतवद कमलम श्री गुरु वैष्णवंश्च श्री रूपं सग्रजातं सहगण श्री रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णा चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखनितंश ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण इति नाम्ने कुल श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसति श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं मेरा परमार्थ तुम गुरुपाद पद्म कि अभय चरणारविंद में आनंद गुरु साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहित कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात श्रीपाद वंशीवर्धन प्रभु उपस्थित भक्त वृंद वैष्णव वैष्णवी सतीर्थ गुरु ग्रंथ वृंद सभी चरण में अधम की यथार्थ दंडवत प्रणाम स्वीकार। तो आप लोग तो पहले से बतावा कि मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं, अब इसके बाद जो ग्रामेटिकल एरर रह गया उसे ग्रहण नहीं करना, मैं जो बोलना चाहता हूँ थोड़ा सा समझने के लिए चेष्टा करो, ठीक है। तो श्री जगन्नाथ जी के राधा विनोद विहार जी के अच्छे से कृपा से चार दिनों से हम श्रीमद् भागवती की कथा की श्रवण कर रहे हैं। किसमें फिर हमारे विशेष सौभाग्य होने के ये कारण है, इसमें साधु गुरु वैष्णव की अनुगति में श्रवण करते हैं। बोले कि अनुगति की क्या जरूरत है? हाँ, बोले कि जो श्रीमद् भागवतम है ये सारी की सारी वेद की सार है। तो फिर ये तो परिपक्व रसोई बताए कि निगम कल्प तरुण गणितम फल, हाँ तो फिर इसका अनुगति क्या जरूरत है? उसे तो हम इसे पढ़ लेंगे भी सुन ले तो हमारा कुछ भी हो जाएगा, मंगल हो जाएगा। तो बोले नहीं, इसको अनुगत्य में करना चाहिए और आश्रय ग्रहण करके करना चाहिए। क्यों? देखो हमारे जितना सारे गुरुवर बोले कि आश्रय को कितना इम्पोर्टेंस दिए। गुरुवर ने लिखे क्या ना, आश्रय करिया बंधु श्री गुरु चरण। हाँ बोले मैं तो भजन करना चाहता हूँ, वंदना करना चाहता हूँ, मगर क्यों अकेला नहीं, कैसे करके ना गुरुदेव का आश्रय ग्रहण करके। ये आश्रय ग्रहण करने से क्या होता है, खुद का जो स्वतंत्रता ये नहीं रहता है। ये स्वतंत्र रहने से क्या होता है, ये स्वतंत्र रहा इसलिए आज जीव इस धराधाम में पड़ के कष्ट भी मिल रहे हैं। अगर स्वतंत्रता नहीं होता ठाकुर जी हमारे ऊपर ऊपर में अगर वो दंड विधान करते थे वहां से, तो फिर हम जड़ जगत में नहीं आते। फिर क्या बताए कि आश्रय लिया भजे तारे कृष्ण नहीं तजे तार सब मरे कारण। बोले अगर कोई भजन करता है मगर आश्रय ग्रहण नहीं किया गुरु गौरांग का, तो क्या होता है ना मरता है। मरता मतलब क्या, उनका जो लक्ष्य उसे प्राप्त नहीं होता है। अगर सारी की सारी चीज कर ले साधन कर रहे मगर लक्ष्य प्राप्ति नहीं हो रहा है, तो उसके भाई क्या साधन क्या जरूरत है उनका। इसलिए क्या ना आश्रय ग्रहण करना चाहिए। फिर आश्रय ग्रहण करने क्या ग्रहण करना है, किसी का आश्रय ग्रहण करना है, इसे बोले क्या ना आश्रय करिया बोल श्री गुरु चरण। बोले कि श्री गुरुदेव की क्या ना ग्रहण करना चाहिए आश्रय। फिर गुरुदेव क्या है कैसे पता चलेगा, तो काल गुरु महाराज बोल रहे थे क्या कि जो चार संप्रदाय है प्रामाणिक संप्रदाय है, ये चार संप्रदाय की अंतर्भुक्त होके क्या करना है गुरु ग्रहण करना चाहिए। अगर उसी चार संप्रदाय को छोड़ के और किसी गुरु के रूप में तुम वरण किए तो क्या श्रम मात्र ही केवलम। अरे वो खुद तो नहीं जानते कृष्ण क्या भगवान क्या उनका स्वरूप क्या है, वो आपको वो कैसे प्रदान करेंगे। जैसे मैं किसी के पास गया बोला कि भाई मुझे पैसा चाहिए, तुम्हें 1000 रुपये मुझे दो, मगर उनके पास 1 रुपया भी नहीं है, तो फिर वो कैसे दे देगा तुम्हें। वो 1000 रुपये देने के लिए उनके पास 1000 रुपये ज्यादा रहना चाहिए, कम रहने से तो नहीं होगा। मगर
इसलिए क्या ना वैष्णव की अनुगत्य में करना चाहिए और वैष्णव की अनुगत्य में श्रवण ही करना चाहिए। तो इसलिए ये जो साधु संघ की महात्म्य को ज्यादा बताए, बल्कि साधु संघ की महात्म्य बहुत बड़ा है। अगर साधु संघ नहीं करोगे तो तुम्हारा जो अभीष्ट वस्तु ये प्राप्त नहीं होगा। बल्कि साधु संघ की क्या महात्म्य है, ये संचय एक बार किसको हुआ ना, नारद मुनि को हुआ। बल्कि साधु संघ में वास्तव क्या है, साधु संघ की महात्म्य क्या है, तो एक बार नारद मुनि श्री नारायण का विष्णु का नाम गाते गाते क्या कहाँ पहुंच गए, ना वैकुंठपुर में पहुंच गए। और उस समय देखिए क्या ना, श्री नारायण जी विष्णु जी अभी अनंत शेष के ऊपर शयन किए हैं और श्री लक्ष्मी देवी पदमोचारण कर रहे। तो जाके पूछे, प्रणाम किए तो विधिवत, फिर बोले कि हे प्रभु मुझे ये बात बताओ, ये जो साधु संघ इसका वास्तव महात्मा क्या है। तो ठाकुर जी तो थोड़ा टेढ़ा है, कुछ सीधा से नहीं बताते ना। फिर बताए कि देखो तुम आए हो, मेरा इतना बड़ा अच्छा वक्त, इसलिए मैं मुंह खुला थी, आदमी व्रत क्या मौन रहता, मैं आज कुछ भी किसी को नहीं बोलता, और तुम आए हो इसलिए बोल रहा हूँ। देखो मैं अभी कुछ भी नहीं बोलने पाऊंगा, तुम्हें काम करो, वहाँ जम्बूद्वीप में जाओ, वहाँ के क्या गिरगिट पड़ा है और वो बड़ा साधु है, उनसे जाके पूछो कि साधु संघ की क्या महात्म्य। तो नारद मुनि के तो जिज्ञासु अभी क्या करे ना, साधु संघ की महात्म्य को श्रवण करने के लिए अभी पहुंचे कहा जम्बूद्वीप में और एक गिरगिट के पास, जिसको ठाकुर जी ने इंडिकेट किए। तो जहाँ पहुंच गए, तो अभी तो पहुंच गए और वो गिरगिट जो दिख ले उनको, फिर जाके प्रश्न किए, हे महाशय मुझे ये बताओ ये साधु संघ की महात्म्य क्या है। ये तो गिरगिट उनका तो पहले स्वभाव है क्या ऐसे मुंह हिलाना, तो ये नारद मुनि को और दिखा और मुंह हिला दिया। नारद मुनि कुछ तो समझ में नहीं आया, फिर दूसरे बार प्रश्न किए, फिर भी कुछ नहीं बताया, फिर तीसरे बार प्रश्न किए और बाबरी तीसरे बार ही ये प्रश्न करते करते क्या हुआ, वो गिरगिट ने उनका प्राण त्याग दिया और वहां से गिर पड़ा पेड़ से। तो नारद मुनि के तो बड़ा आश्चर्य थे, भाई क्या हुआ अभी ना? फिर क्या किया, नारद मुनि वैकुंठपुर में पहुंच गए और बोले देखिए ठाकुर जी की उसी अवस्था, शयन करे लक्ष्मी पदमोचारण करे। फिर प्रश्न किए, ठाकुर जी मैं तुम्हें साधु संघ की महात्म्य पूछा था, तुम तो बोले नहीं, फिर किसके साथ उसके पास में भेजे, मगर मैं इसे तीन बार बोल दिया तो फिर उनका देह त्याग हो गया, तो जीव हत्या के दोष लगा हुए, अभी बताया साधु संघ की महात्मा क्या है। तो बोले कि देखो मैं पहले से बोल चुका हूँ, आज मेरा मौन व्रत है, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, तुम्हें काम करो क्या ना, उसी पास में गए आम की जंगल है ना, तो उसमें जाओ, एक पक्षी है वो बड़ा पंडित है, उससे पूछ लेना साधु संघ की महात्म्य, वो अच्छे से पता है उनको। तो नारद मुनि जी क्या चले आए, फिर तो फिर वो पक्षी को भी देख लिए, फिर वही प्रश्न किए साधु संघ की महात्म्य है क्या महात्म्य, तीन बार पूछने से वो पक्षी भी क्या हुआ मर के गिर पड़ा। बाप रे अभी तो नारद मुनि टेंशन में आ गए, तो फिर क्या किए, फिर दूसरे नारायण के पास एक तुम्हें बनाने के और कोई नहीं मिला, मैं मिला हा? तुम्हें बोल रहा हूँ साधु संघ की महात्म्य क्या है, तुम तो बोल सकते हो मुझे, फिर भी बोल रहे हो। फिर क्या किए, बोले देखो अभी लास्ट बार जाओ, इसके बाद तुम्हें तो उत्तर तुम्हारा मिल जाएगा हा? ना वो राजा की अश्व है हा? वो अश्व की रंग भी बता दे, उसके पास जाओ हा? वो तुम्हें अच्छे से बता दो। तो फिर नारद मुनि तो इच्छा नहीं हो रहा था, ऐसे दो जीव को मार दिए, फिर क्या किए आए ठाकुर जी की आज्ञा है। तो जो पहुंच गए वो अश्व के पास, वही तीन प्रश्न किए साधु संघ की क्या महात्म्य, तीन बार पूछे, जो तीन बार पूछ ले तीसरे बार भी अश्व मर गया। बाप रे तो गुस्सा, पहले तो अनुगत्यता दिखा रहे थे, अभी ठाकुर जी को गुस्सा की, क्यों, क्योंकि भक्ति कितना अधिकार है, ठाकुर जी को अपने हृदय में बैठाते हैं ना, इसलिए उनके ऊपर शासन भी कभी कभी कर लेते हैं। तो फिर नारायण के पास है कि ये इतना छोटा सा सवाल लेके आया, उत्तर नहीं दे रहा हूँ, तीन तीन जीवों का हत्या की दोष मेरे ऊपर लगा दिया तुम, अभी तो बताओ नहीं तो मैं मेरा रूप दिखाऊंगा तुम्हें। तो ठाकुर जी क्या बोले, देखो अभी लास्ट बार बता रहा हूँ, जिस राजा के अश्व के पास तुम गए थे, उस राजा के नवजात संतान हुआ, नवजात समझते हो, अभी अभी संतान जात हुआ पैदा हुआ है, उसके पास जाओ, वो तुम्हें साधु संघ की महात्म्य बता देगा। तो
फिर क्या किए, इच्छा ना होने के कारण भी वही बच्चे के पास है। अभी फिर दिख रहे उधर उधर बच्चे के पास पहुंच गए, तीन चोर की मृत्यु हो गई, राजा के पुत्र है, अगर ये मर जाएगा तो राजा मुझे नहीं छोड़ेगा। तो फिर क्या किए, आगे पास में बोले कि मैं उनको मंगल स्वस्ति वाचन करूंगा, थोड़ा तुम दूर हो। हाँ, तो फिर जब ये दूर हो गए तो उनके कान के पास बोल रहे कि भाई साधु जन की क्या बात है। तो फिर वो भी कुछ बोले नहीं, तो डर रहे, फिर इधर उधर देख रहे, फिर दूसरे बार ही प्रश्न किए साधु जन की महात्मा। तीन बार पूछने के बाद वो जो कुछ बोला नहीं, ये बोले सोचे कि शायद हो गया, फिर आगे क्यों कोई देखे हैं तो फिर क्या होगा, अभी पकड़ाए जाएंगे। तो फिर जब भाग रहे थे तो राजा ने अपने सैन्य को भेजा कि जाओ नारद मुनि को बुलाओ, और ये सैन्य जो पीछे पीछे भाग रहे बोले कि उनका तो काम खत्म, अभी राजा ने मुझे पकड़ने के लिए बुला रहे सैन्य। तो फिर नारद मुनि तो टेंशन में पड़ गए। हाँ, तो फिर क्या किए, सैन्य का हाथ पकड़ के फिर आए, बोले कि फिर राजा ने क्या किए, उनको ये सोच रहे मुझे दंड प्रदान करेंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं है, क्या किए उनको चरण वंदना किए, उनको आरती उतारे। क्यों, बोले कि देखो ये जो मेरा संतान था, ये जो जन्म हुआ वो रोया नहीं, मतलब वो मुक्त था, मगर आप जैसे साधु संघ की महात्म्य से वो अभी रो रहा है, मतलब उनका मुख खुल गया। तो हे नारद मुनि आप श्रेष्ठ साधु हो। तो नारद मुनि तो चक्की था, अभी प्रश्न नहीं मिला था, ठाकुर जी उनको थ्योरी पढ़ाना नहीं चाहते थे, क्या पढ़ाना चाहते थे, पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाना चाहते थे कि ये साधु संघ की वास्तव महात्मा क्या है। तो फिर नारद मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए और उनके पास में गए, तो वो बच्चा बोलने लगा ये नारद मुनि मैं और कोई नहीं, वो गिरगिट पहले था, आपकी महात्म्य से आपकी संघ की प्रभाव से मैं गया, फिर मेरा पक्षी का जन्म हुआ, फिर आप उधर भी मुझे जाके अपने संघ प्रदान किए, पक्षी के बाद में अश्व के रूप में आया, और अश्व के रूप में क्या हुआ, फिर अभी देखो देखो राज की संतान, और क्या चाहिए। हा? तो ये होता है क्या साधु संघ की महात्मा। कभी कभी जब ये कथा की शुरुआत हुआ तो मठ में तो दो आदमी आते रहा तो शाम को कथा सुनने के लिए, और सुबह पांच आदमी आते थे हाथ गिनती। हाँ, मैं सोचा इतना बड़ा पंडाल बना है ये श्रवण कौन करेगा। हाँ, तो फिर आप लोग देखिए तो बड़ा आनंद आया, भी लोग आते हैं भाई श्रवण करने के लिए, तो भी अच्छा बात है। गुरु पदासिद्ध हो गए इसका मतलब ये नहीं घर में बैठ जाना, इसलिए बताए क्या ना, भक्ति भगवत संगेस्त पर जाए थे, मतलब भक्ति करना है तो अकेला अकेला करने से नहीं चले। हाँ, बहुत सारे भक्त गोपाल लेके घर में गए, मठ में क्यों नहीं आ रहे, प्रश्न जो करते हैं हम लोग बोलते कि घर में आरती करना पड़ता है, रसोई बनाना पड़ता है, तो भाई ऐसे भक्ति नहीं हुआ, क्या करना चाहिए ना, साधु संघ करना चाहिए। अगर भक्ति करना चाहते हो, भगवान की प्राप्ति कराना चाहते हो, साधु वैष्णव की प्रीति कराने के लिए कुछ चाहते हो तो क्या करना है, साधु संघ करना चाहिए, मठ में आना चाहिए, नहीं तो घर में अकेला अकेला बैठ के अगर एक लाख ही नाम करोगे तो उसका वो फल प्राप्ति नहीं होगा जितना साधु संघ में प्राप्त होता है। इसलिए साधु संघ क्या ना, साधु संघ हरि कथा ये मात्र चाहिए, संसार जिंदगी यार कौन वस्तु नहीं, वास्तव अगर कुछ चीज चाहिए तो साधु संघ में हरि कथा श्रवण करो, यही वास्तव कल्याण कर देगा। हाँ, साधु के पास में आए हुए तो क्या करेंगे, वो साधु तुम्हारे ऊपर कृपा करके क्या करेंगे ना, जो वास्तव भगवान की प्राप्त कराने का जो विधि है, जो साधन प्रणाली है, कैसे प्राप्त होगे ये बात ही तुम्हें क्या वो बताएंगे, तो उसके बाद कहीं कल्याण होगा। हाँ, तो इसीलिए फिर कृपा करके ठाकुर जी क्या किए, मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, बोले कि इस जगत में एक जीव ने दो आदमी का मतलब दो वस्तु का कभी महत्व समझ नहीं पाते, क्या एक तो भगवान की कृपा को कभी उपलब्धि नहीं करता है, और वैष्णव साधु गुरु ये दोनों की कभी जो कृपा होता है उसे उपलब्धि नहीं कर सकता है। जगत के जगत में होता है ना ऐसे, बच्चे के लिए कुछ भी कर लो, हाँ उनके लिए बैंक बैलेंस रख लो, कुछ भी कर लो, जो भी कुछ कर लो, फिर भी 99 उनके लिए अच्छा काम करो और अंतिम में एक उनके लिए बुरा काम कर लो, वो ये 99 को अच्छा काम को नहीं देखेगा, किसको देखेगा, ये मेरे लिए बुरा काम कर लिया, वही भी देखेगा, और लास्ट में क्या पूछेगा, तू मेरे लिए क्या किए हो, हाँ ये पूछेगा ना, मेरे लिए तुम क्या किए हो। तो ये शब्द सुनने से क्या होता है ना, दुख आता है, मगर ये दुख तब दूर होगा अगर तुम उस बच्चे के लिए बैग वाला से ना रख के उनके लिए हरिनाम के नाम रखोगे, तो ये क्या होगा, उनके लिए वास्तव कल्याण होगा।
उनको ये जागतिक जड़ विद्या तो सिखाना है, फिर उनको ये आध्यात्मिक विद्या भी सिखाना है, जिससे वो आपको क्या करेगा, नमन करेगा, पूजन करेगा और भक्ति करेगा। अगर ये नहीं सिखाओगे तो क्या सर्वमात्र ही केवलम। इसलिए ठाकुर जी कृपा करके क्या किए हैं, ये मनुष्य शरीर दिया है। क्यों? क्योंकि लक्ष्य स्तर में हमें पहुंचना है। क्या लक्ष्य? ना कृष्ण की सेवा। ये क्या है ना, जीव ने उस धाम में था और वहां से पतित होकर इस धाम में आएगा दंड पाने के लिए। अभी सब जीव का ये लक्ष्य होना चाहिए, हमको वहां पहुंच रहा है, तो इसलिए क्या करना है ना, भजन करना है। इसलिए शास्त्र ने बताया क्या, ना नृत्य है माध्यम सुलभम सु दुर्लभम प्लबम सु कल्पम गुरु करण धारम मयानुकूल नवेशम कुमार भवादी न तरत से आत्महा। बोले की नृदेह, बोले की जो मनुष्य शरीर है वो क्या है ना, सर्व शुभ फल प्रदायिनी, मतलब सब शुभ फल प्रदान करने वाला है। ये शुभ फल क्या प्रदान करेगा, क्योंकि देखो जागृति जो है तो कितने सारे जीव है, हाँ शुक्र है बुद्ध है, मगर उनको बुलाओ अभी, आओ थोड़ा भागवत कथा सुन लो, श्रवण कर पाएंगे तो उनको हाथ में करताल धरा पकड़ा दो, गाड़ी में तो घुमाते हो करताल पकड़ दो, तो हरे कृष्ण महामंत्र करो, कर पाएंगे तो कभी नहीं। इसलिए मनुष्य शरीर में ही हो सकता है, ये उसका महात्म्य है। हाँ ये मनुष्य शरीर में हो सकता है, इसलिए मनुष्य शरीर क्या बोले श्रेष्ठ। हाँ इसके अंदर क्या है, दिव्य ज्ञान है। बोले की जो मनुष्य शरीर है चार सूत्र से प्राप्त होता है, ऐसे कैसे प्राप्त नहीं होता है। हाँ ये चार सूत्र क्या है, बोलते हैं कि तो 84 लाख की ज्योनि भ्रमण करना पड़ता है, उसके बाद जो अंतिम शरीर प्राप्त होता है वो क्या है, मनुष्य शरीर। बोले कि जो अंधेरा कूप है और कूप से निकलने के लिए 84 लाख क्या है ना दरवाजा है, मगर सारी की सारी दरवाजा बंद है, मगर एक दरवाजा खुला है, कौन सा वाला, ये मनुष्य शरीर रूपी वो दरवाजा। तो अगर कोई अंधा कूप में मतलब ये संसार रूपी समुद्र से निकलना चाहते हो तो किस मनुष्य शरीर को आश्रय करने के बाद ही उससे निकल पाओगे, नहीं तो नहीं होगा। तो ये तो पहला मनुष्य शरीर प्राप्त करने का सूत्र है। क्या जिसका 84 लाख ज्योनि भ्रमण कर लिया जो, उसके बाद उनको क्या होता है, मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। और दूसरा सूत्र क्या है, बोले कि दूसरा सूत्र ये है, कोई नीचे जन्म है ऊपर सुकर है, हम उसको पता नहीं क्या क्या, कभी जैसे ठाकुर जी का निवेदित वस्तु कुछ प्रसाद पा लिया, उसको पता नहीं किसका महात्म्य क्या, साधु वैष्णव है उनके पास में आ गया, और कुछ मंदिर है ऐसे किसी परिक्रमा लगा दिया, तो ये क्या है ना, उनका अनजान है क्या हुआ, उनका अच्छा कर्म सुकृति हो गया, तो ठाकुर जी कृपा करके क्या करते हैं, उनको मनुष्य शरीर दे देते हैं। क्यों, उधार पाने के लिए। ये तो दूसरा सूत्र क्या, कोई अगर अच्छा कार्य कर लिया तो उसे ठाकुर जी क्या करते हैं, कृपा करके मनुष्य जन्म देते हैं, और होता है ठाकुर जी का कृपा। बोले कि जो ठाकुर जी का कृपा है वो क्या है, निरपेक्ष है, और ठाकुर जी अगर चाहते हैं तो किसी के ऊपर भी कभी कृपा कर सकते हैं, इसके लिए उनको कुछ एप्लीकेशन लिखना नहीं पड़ता, मैं इसको कृपा करूं, नहीं, सर्वतंत्र स्वतंत्र है। और ठाकुर जी कोई नीचे जोड़ने के देखे किसी जीव को, उसके ऊपर कृपा दृष्टि डाल दे तो उनको क्या कहते हैं, मनुष्य जन्म प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, पहला सूत्र किया जिसका राउंड हो गया 84 लाख, फिर दूसरा किया जो अच्छा कार्य कुछ कर लिया, और तीसरा किया ठाकुर जी का कृपा। और ये चौथे जो है सूत्र वो थोड़ा गड़बड़ी है। क्या गड़बड़ी, बोले ये तो मनुष्य जैसे दिखते है मगर मनुष्य नहीं, कौन, हमारे सारे से गुरु वाक्य, ये जो वैष्णव लोग, इसलिए कितने बताते हैं कि तब निज जन को न महाजन पठाइए दिले तुम्हें, हे ठाकुर जी एम दुर्मति संसार भीतर पड़िया छो, मैं अत्यंत दुर्मति हूँ, निर्गुण्य हूँ, हाँ ये संसार में पड़ा हुआ हूँ, अगर आपको मेरे ऊपर कृपा करना है तो एक काम करो, क्या तो निज जन को न महाजन पठाइए दिले तुम्हें, तुम्हारा जो निज जन है उनको भेजो, क्योंकि ठाकुर जी की बिना कृपा से ठाकुर जी का कोई भजन कर नहीं पाएगा, तो इसलिए ठाकुर जी क्या करते, कृपा करके किसी बद्ध जीव को उद्धार कराने के लिए ये उनको जो निज जन मतलब उनके जो परिकर उनको भेजते हैं। तो फिर परिकर भेजते हैं, उसके बाद क्या कराना है भाई, संसार को भी समुद्र पार कराना है, किसका आश्रय ग्रहण करके, मेरे साथ बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ज्यादा समय नहीं लेते हुए
इस हरि कृष्ण महामंत्र का आश्रय ग्रहण करते हैं बुद्ध के चरण में अनंत कोटि शास्त्र धारण करते हुए ये पाणी की प्रणाम लेता है वांछा कल रथ के निश्चित वर्ष वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम। अभी हमारे बच्ची को देने दो अब कथा सुनाएंगे हमें लास्ट में कृष्ण का जन्म कथा सुनाते हैं ठीक है। हाँ देखो हम इन बच्चों को क्यों खड़े करते हैं तब संतों ने उदाहरण दिया जैसे जब किसी नदी को पार हम करते हैं किसी नाव को माध्यम से हम नदी को पार करते हैं लेकिन जब वो नाव को द्वारा नदी को पार करते हैं वो नाव कहाँ रहती है हमको जैसे इस पार से उस पार तक ले गया नाव कहाँ पर रहेगी उस पार में जैसे इधर से लेकर उस पार में रहेगी। लेकिन ये साधु संत भी इसी जगत में आते हैं ये भव सागर से हमें पार करवाने के लिए आते हैं संत लोग इसलिए आते हैं लेकिन ये तो हमें इसी संसार से उसी संसार तक पार करा देते हैं इस पार से लेकर के उस पार में छोड़ देते हैं लेकिन ये नाव में और एक महात्मा है वो नाव तो उधर रहती है लेकिन संत लोग जब संसार से हमें पार करके भगवान की चरण तक पहुंचा देते हैं वो नाव उस पार में नहीं नाव इस पार में रह जाती है। ये नाव कहाँ रह जाती है इस पार में। बोले मतलब क्या है बोले जैसे हमारे गुरु जी हमें पार करा कर तक गए लेकिन नाव को यहीं पर छोड़ कर गए। बोले कौन सा नाव बोले संतों संतों को यहीं पर रख कर गए। बोले क्यों तुम भी जीवों को भव सागर से पार करा इसलिए हम जैसे वैश्यवर्धन प्रभु अभी छोटे छोटे बच्चे हम इनको क्यों खड़ा करवाते हैं जब हम लोग चले जाएंगे फिर भैया ये जीवों को उद्धार कौन करेगा फिर इस जीवों का कल्याण कैसे होएगा इसलिए इसी संसार तक जीवों को पार करा के गए लेकिन इधर ऐसे ऐसे भक्तों को छोड़ करके जाते हैं ये भी संसार को पार करवाते हैं इसलिए हमारे जो बड़े गुरु जी उधर जो देख रहे हो हम लोग कहाँ से सीखे हैं हमारे बड़े गुरु जी हम भी ऐसे जब मंदिर में आए सबसे पहले मैं जब मंदिर में आया हूँ मेरा उम्र था 13-14 साल था हैं जब गुरु जी को पास में आए 15 साल में एक दिन गुरु जी बोले बेटा कुछ बोलो मैंने कहा गुरु जी मैं नहीं बोल सकता हूँ कुछ नहीं जानता हूँ तो गुरुदेव ने कहा भैया तू मेरे आदेश पालन करोगे ना मैं तेरे आदेश पालन करूँगा इसलिए जब हम किसी ठाकुर जी को बारे में कुछ बताते हैं गुरु जी बोले जैसे एक फूल ठाकुर जी के चरण में देना हुआ है इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं मैं सबसे उसको बड़े में ज्यादा प्रसन्न होता हूँ जो मेरी कथा सुनाता है। अगर हम भगवान की कथा नहीं सुनाते नवीन प्रभु अगर यहाँ नहीं आते एक व्यक्ति नवीन प्रभु जैसे गुरु जी के शिष्य एक व्यक्ति यहाँ पर आए और आकर के उन्होंने क्या किया फिर उनको माध्यम से हम लोगों को भी बुलाया तभी तो इतने लोगों का कल्याण हुआ तभी तो बड़ों तभी इतने भगवान की भक्ति प्रचार हुई और इतने लोग तिलक कंठी माला धारण करते हुए तभी तो घर घर में हरि भक्ति हरि प्रचार हो रहा है तभी तो हो रहा है ना। इसलिए मेरे को एक व्यक्ति बड़ौत में एक व्यक्ति बोल रहा था बोले बाबा अगर आप लोग नहीं आते ना यहाँ के सब लोग शराब पी करा पी जुआरी गंजड़ी भगड़ी सब बन जाते लेकिन आप इधर आ गए हो इसलिए नवीन प्रभु हम लोग को बुला दिया इसलिए आपकी कृपा से हम लोग सब सुधर गए हैं हमारे बच्चे भी सबके सब सुधर गए नहीं तो ये लोग सबके सब इनका जीवन बर्बाद हो जाता। इसलिए संतों तो भव सागर से पार होते हैं लेकिन फिर नाव को इस पार में रख करके चले जाते हैं फिर जो लोग फिर वो नाव को आश्रय ग्रहण करेगा उनको भी ये भव सागर से पार करा देते हैं। इसलिए हम इन्हीं बच्चों को खड़े करके छोटे छोटे बच्चों को खड़े करके देखो ये जो बच्चा बोल रहा था ना ये पिता माता की एक ही बेटा है जनार्दन जो है ना वो भी पिता माता के एक ही बेटा है लेकिन ये बच्चे अच्छे लिखे पढ़े हैं ऐसे नहीं अनपढ़ नहीं। जनार्दन क्या पढ़ा बीकॉम किया अब ये बच्चा ये ग्रेजुएट है बच्चा ग्रेजुएट है जनार्दन एम कॉम किया है जनार्दन उसने एम कॉम किया है इसलिए अच्छे घर के लिखे बड़े बच्चे हैं और ये लोग पिता माता के एक ही बच्चे हैं लेकिन तभी ये लोग आकर के भगवान की कथा सुन करके भगवान की भक्ति करते हैं और दूसरों को भी भगवान की भक्ति में लगाते हैं। इसलिए बड़ौत सचमुच से बड़ौत भगवान का धाम बन गया है। बोलो श्री गुरुदेव।
जी की जय। इसलिए आप लोग बड़े उत्साह पूर्वक, ये बच्चा बोल रहा था ना, कोशिश करना मंदिर में आने के लिए। एक पौधा अगर किसी गमला में लगाया, अगर पानी नहीं दोगे कब तक वो पौधा जिंदा रहेगा? धीरे 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 खत्म हो जाएगी। लेकिन इस संतों को साथ में जुड़े हुए रहोगे, कथा सुनोगे, फिर तो वो लता पनपनाते हुए बढ़ेगी और एक दिन ठाकुर जी की चरण में वो लता पहुंच जाएगी। ठीक है, बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राम। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय सर्वभक्ताय वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौकलमशनाशाय जाह्नवा नम नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिषे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कंतो राधा कंत नमः तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिके तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं नयमां चरणांतिकं जं प्रव्रजन्तमनुपे तमपेतकृत्यं द्वैपायन विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मतया तर्वोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतस्मि श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद बोला हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 बोला हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे परमाराध्यतम निरुपाधिकपूर्णमूर्ति गुरुपादपद्मं नित्यलीलाप्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी गुरु महर्षि के चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम अर्पण करते हुए उनके अभेद की कृपा प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात रूपांग गौड़ीय गुरुवर्ग अनंत कोटि वैष्णव वृंद विशेषतः स्वर्ग गोस्वामी पाद रसिकाचार्य वर्ज महामोपाध्याय श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सबके चरण कमल दंडवत प्रणाम पूर्वक उनके अहित की कृपा प्रार्थना करता हूँ। सपार्षद श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जय जुग प्रभुपाद जय युक्त हो। उपस्थित पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के चरण कमल में दंडवत प्रणाम पूर्वक उनके अहित की कृपा प्रार्थना करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वृंद भक्त वृंद माताएं सबके चरण में यथाजथ प्रणाम स्वीकार। एक कुत्ता दुकान में गया, दांत में ब्याग था, कुछ पैसा भी था, कुछ लिस्ट था।
दुकानदार लिस्ट को देख करके सामान दिया और पैसा भी रख दिया, बाकी पैसा वापस दे दिया। लेकिन अपना मन में प्रश्न आया कि इतना समझदार कुत्ता के मालिक कौन है, उनको थोड़ा देखना है। दुकान बंद किया, शाम तो हो गया था, कुत्ता के पीछे पीछे चला। कुत्ता अभी बस जब आया, बस स्टॉप पर खड़े हो गया, कुछ हिलाने लगा तो बस अटक गया। दरवाजा खुला तो कुत्ता ऊपर उठा तो दुकानदार भी ऊपर चले गए। उन्होंने कंडक्टर को भी पैसा दिया, कंडक्टर ने पैसा रख करके वापस उनको वापस पैसा दे दिया। जो ही उनका बस स्टॉप आया, आगे चलकर कुत्ता पूंछ हिलाया, कंडक्टर का समझ में आ गया कि अभी उनका जगह आ गया। उन्होंने गाड़ी रोक दी, कुत्ता ने नीचे उतर गया, दुकानदार भी नीचे उतर गया। और जब उन्होंने दरवाजे पर गया घर में, जाने के बाद वो कलिंग बेल लगाया, कलिंग बेल लगाने के बाद घर की मालिक बाहर आया, दरवाजा खुला, एक धराम करके पिटाई किया कुत्ता को। दुकानदार पूछा कि बाबा आप कुत्ता के मालिक हो ना? हाँ जी। ना उन्होंने इतना समझदार कुत्ता है, आपके लिए सामान लाया, गाड़ी में उतर के आया, पैसा वापस दिया, इधर आके कलिंग बेल लगाया, अब फिर भी कुत्ता को मारा क्यों? मालिक ने बोला कि बेवकूफ कहाँ के, चाबी लेके नहीं जा सकता, नींद खराब कर दी। कुत्ता को इसलिए पिटाई हुआ क्योंकि उन्होंने चाबी लेके जाना भूल गया, नींद खराब कर दी। सज्जन, कुत्ता बन जाओ तो भी संसार लोगों को प्रसन्न करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन विष्णु और वैष्णव ये दोनों को प्रसन्न करना बड़ा आसान है। भगवान कहते हैं मुझे अगर प्रसन्न करना के लिए जड़स्य तुलसी जड़मात्रेण जड़स्य चुड़के नवा विक्रणी तो भी स्वात्मानं भक्तव्य भक्तवत्सलः। भगवान कहते कोई तो थोड़ा तुलसी जल भी दे करके मुझे अर्पण कर दे तो मैं अपने को उनके पास बेच देता। लेकिन विडंबना है। और वैष्णवी कैसा, देखो महाराज जी इतना मेहनत किए, साल में दो दो बार तीन तीन बार आए, पूरा पूरा घर घर में जाकर के समझाए, कितना एनर्जी दिए। और लेकिन जब थोड़ा बहुत लोग मेहनत कर लेते हैं, हरि नाम किसने कर दिया, मछली छोड़, लोग वैष्णव की कृपा को समझ नहीं पाते, भगवान की कृपा को समझ नहीं पाते। तो कुत्ता तो बनना है बेटा, दुनिया की कुत्ता क्यों बनते हो, वैष्णव की कुत्ता बन जाओ। सर्वस्व तुम्हार चरणे सपिया पड़ी छी तुम्हार घरे, आमी तो कुकुर तुम्ही तो ठाकुर। उसके बाद बोलिया जाना, हाँ बोलिया जाना हमारे। लेकिन आदमी का ये चालच है, अपना जिद्दी है, वो कुत्ता जगत का बनेगा, बेटा का कुत्ता बनेगा, बीवी का कुत्ता बनेगा, मालिक का कुत्ता बनेगा, सबका कुत्ता बनता है, लेकिन विष्णु और वैष्णव का कुत्ता नहीं बनना चाहिए। उसके लिए कितना सोचता है, आमिष छोड़ना पड़ेगा, और बेटा के लिए कुछ सामान चाहिए तो प्रसन्न करने के लिए बुखार भी हुआ तो भी छोड़ करके जाता है, मार्केट में ले आता है। लेकिन वैष्णव की कुत्ता बनने के लिए कितना सोचता है, भगवान की कुत्ता बनने के लिए कितना सोचता है, ये करना पड़ेगा मुझे, आमिष छोड़ना पड़ेगा, तिलक लगाना पड़ेगा, भगवान को भोग लगाना पड़ेगा, ये सब हमारे द्वारा नहीं होगा। क्या होगा तुम्हारे द्वारा? फिर दूसरे का टट्टी पिसाब साफ करते करते दिन चला जाएगा, जीवन बेकार हो जाएगा। अगर तुम वहां पर कुत्ता क्यों बनते हो, कुत्ता बनना है तो किसका बनो, ठाकुर जी का बनो, वैष्णव का बन जाओ, तो देखना काम बन जाएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, जगन नहीं दे रहे।
तुलसी वृंदावन बिहारी लाल की तेरे। चलो देखो ये जीवन की बड़ी शिक्षा है श्रीमद् भागवत में भरत महाराज जी के चरित्र में। तो चलो हम लोग आलोचना करने से पहले थोड़ा कीर्तन करते हैं, आप हम लोग के साथ थोड़ा मदद करें। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, सबसे अच्छा चीज उनका काट करके लाओ। उन्होंने जीवा को काट करके लाया और सौंप दी। बोले देखो सबसे बुरा चीज क्या है उसको लेकर के आओ। उन्होंने बकरा का उन्होंने जीवा को काट दिया ला करके दिया। बोले वही अच्छा है वही बुरा है। बोले हाँ जी। बोले कैसे ना वही जीवा ही नरक का द्वार है और वही जीवा ही वैकुंठ का द्वार है। जीवा को अगर कोई दुरुपयोग करे तो पूरा पूरा नरक जाएगा और ये जीवा को कोई सदुपयोग करे राधे राधे जप करे तो पूरा गोलोक वृंदावन चला जाएगा। वही अच्छा है वही बुरा है लेकिन हमारा आदत बन गया ना बुरा में लगाने के लिए। जब देखना बाहर कोई बैठते हैं बिना पूछे बोल बैठते टर 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 मेंढक जैसा करते रहते हैं लेकिन कथा में बैठ तो बड़ा गंभीर बन जाते। इतना गंभीर मत बनो, इतना गंभीर मत बनो, थोड़ा सा चंचल हो जाओ
खुद चंचल हो ना हो, जीवा को चलो चंचल कर दो भगवान के नाम लेने के लिए। सबसे बड़ा आश्चर्य चीज कलयुग में वही है, क्या है कि सुलभम भगवन नाम जीवा चो बसवर्तिनी तथापि नरक नियंति किम आश्चर्य अतः परम। कहते हैं कि देखो भगवान के नाम कलयुग में सुलभ है। कलयुग में ऐसा कौन है जिसको भगवान के नाम पता नहीं? हरे कृष्ण महामंत्र सबको पता है, लेकिन और नाम को सेवा करने वाला जीवा भी हमारे वशीभूत है। हम जो चाहेंगे वो वही बोलेगा। ऐसा नहीं कि राधे राधे करो तो जीवा खुद अंदर से बोलेगा, ये कर नहीं सकते हम। या भगवान ने जीवा दिया पकड़ करके रखा है, बोल नहीं सकते, राधे बोलोगे चलेगा ना? ऐसा होता है क्या? जो चाहोगे वही बोलोगे, जीवा तुम्हारे बस में। भगवान के नाम सुलभ है, फिर भी व्यक्ति नरक जाता है कलयुग में। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है, नाम सुलभ पता भी है, जीवा अपना बस में, लेकिन फिर भी आदमी नरक जाता है। मैं बोला था ना, महाराज जी ने किसको बोला कि बोलो हरे कृष्ण, वो बोला इतना बात तो बोल नहीं पाऊंगा बाबा इतना बात बोल नहीं पाऊंगा। चार शब्द बोला, एक बार हरे कृष्ण बोला नहीं, क्योंकि हमारे जीवा किसमें व्यस्त है? ग्राम में कथा रखने में। इसलिए लेकर के क्या करोगे भाई? जीवा तो बचपन से जब जन्म लिया तब आया, इतना कोमल देखो, और मरोगे जब बाद में दांत आता है, पहले चला जाता है। जीवा पहले से आया जाने तक रहेगा। इसका मतलब जीवा कहता है जन्म से मृत्यु तक केवल मुझे व्यवहार करो, मैं करूंगा। किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे फटल ले रहे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। इसी कथा को हमने शायद व्याख्या किया था इधर, शायद अजामिल चरित नाम महिमा, पांच सात दिन तक वहाँ पर मंदिर बड़ी सुंदर सुंदर विशेष महिमा दिया गया। इसलिए जीवा को व्यवहार करो, वस्तु शक्ति है, बड़ा फल देगा, ठीक है? चलो इसलिए सब लोग बड़ी उच्च स्वर में नाम गाओ, हमारे धन राधा श्री राधा श्री राधा। Oh,
कहाँ लगाओगे दम? शरीर शरीर भगवान ने दिया इतना बड़ा, 60-70 किलो तो होगा जरूर, कम वाले तो थोड़ी कम होंगे, एक क्विंटल तक है। और वो दूसरा दूसरा प्राणी का तो काट करके भी बेच भी सकते हैं। शरीर ऐसा लगेगा किसका भरण पोषण भी कर सकता है, वो भी नहीं करेगा, कीड़ा मकोड़े खा जाएंगे, तो भी किस काम के लिए डरते हो भाई? ब्लड कम हो जाता है, ब्लड कम हो जाता है, वजन कम हो जाएगा, ताकत हट जाएगा, क्यों डरते हो फिर? उल्टा लाभ तो होगा। जोर लगा के बोलो राधे राधे। बोल देते बहुत जोर, आप लोग ऐसे बोलो श्री राधे। पीछे साइड लोग ऐसे चेयर में बैठे, बोले हमारे बारी नहीं है बोलने वाला। सब लोग बोलो राधे राधे। अभी इसको बामन भगवान, भगवान की बड़ी विचित्र कथा है, ऋषभ देव भगवान की, और उनके बेटा बने भरत महाराज जी। लेकिन बड़ा विडम्बना है, सुखदेव गोस्वामी पाद भगवान के अवतार ऋषभ देव के अवतार के बारे में 3 अध्याय में बोले, लेकिन जड़ भरत उनका भक्त होने के कारण उनका लीला को 5 चैप्टर में बोले। इसलिए आप देखना पूरा भागवत में ज्यादा से ज्यादा भगवान की चरित्र है कि भक्त की चरित्र है? भक्त का चरित्र बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। टाइम देखो प्रहलाद चरित्र अगर आलोचना करो, नृसिंहदेव के बारे में कितना बताया गया, 1 चैप्टर से बुँ बहुत कम, लेकिन प्रहलाद महाराज के चरित्र को विशेष। काल ध्रुव जी कथा सुन रहे थे, भगवान की कथा कितने समय की है? सुखदेव गोस्वामी पाद 2-4 श्लोक में बोले, आए दर्शन दिए सब, लेकिन भक्त का चरित्र बहुत ज्यादा। अभी देखना ऐसा कि दशम स्कंद में भी कृष्ण चरित होने पर भी कृष्ण का लीला बहुत कम है, गोपियों का लीला बहुत ज्यादा है। क्यों क्यों कहते भक्त की लीला बहुत ज्यादा है? इसलिए क्योंकि हमारे जीवन में भगवान जितना जरूरत नहीं, भक्त उससे ज्यादा जरूरत है। हमारे जीवन में भगवान की चरित्र जितना आवश्यक नहीं है, उससे ज्यादा आवश्यक है वैष्णव का चरित्र। हमको भगवान कौन है कौन दिखाते हैं, कौन दिखाते हैं? वैष्णव। जैसा ये पिताजी है माँ दिखाती है, ऐसा वैष्णव गुरुदेव शास्त्र ये 3 वस्तु दिखाते हैं, ये भगवान है। तो इसलिए भरतस्तु महाभागवत, महाभागवत परम भागवत भक्त शिरोमणि ये भरत जी महाराज, उनका चरित्र को सुखदेव श्रीधर गोस्वामी पाद ने बताया अमृत उपाख्यानम कक्षामि। अमृत उपाख्यान, अमृत उपाख्यान किस लिए? अमृत इसलिए जो मरता नहीं, और सचमुच ऐसा है भरत महाराज का चरित्र आज तक कभी खत्म हुआ ही नहीं, बाद में होगा भी नहीं, और हमारे लिए भी अमृत के स्वरूप है, अमृत के चरित्र है भरत महाराज की। क्यों? क्योंकि भरत महाराज का चरित्र में बड़ा उत्थान और बड़ा पतन हुआ, और हमारे भक्ति जीवन में भी कभी उत्थान होते कभी पतन होती है। ऐसा दिन आता है मन में हरि नाम की माला लेने के लिए कभी होता ही नहीं, और कभी कभी ऐसा होती है हरि नाम छोड़ने के लिए भी मन नहीं करता। कभी ऐसा होते है मंदिर जाओ तो मन नहीं लगता, और कभी ऐसा होते है मंदिर छोड़ के जाने के लिए इच्छा नहीं होता। अपना मन की बात है, जो प्रहलाद जो भरत महाराज के जीवन में देखने के लिए मिला, इसलिए भरत चरित्र को अच्छी तरह श्रवण करना साधक के पक्ष में अमृत के समान है। श्रीधर गोस्वामी पाद कहते अमृत की बात कहता हूं। ऋषभ देव की कथा बड़ी सुंदर है, क्योंकि 100 पुत्र थे श्रेष्ठ देव भरत महाराज जी,
उनको भरत महाराज को जब उन्होंने पालन पोषण करके प्रजान को प्रजाओं का पालन पोषण करने का दायित्व तो मिला, उन्होंने सहर्ष स्वीकार किए। नव युवक थे उन्होंने, पहले ऐसा उन्होंने शासन किया, बाद में पूरा ये भारत वर्ष का नाम उनके नाम पर भारत हो गया। पहले उनका नाम था अजनाब, अजनाब मतलब नाभि थे उनके पिता श्री ऋषभदेव के पिताश्री थे नाभि, और उनका पिताश्री थे अज, अज और नाभि दोनों राजा के नाम पर भारत वर्ष का नाम था अजनाब। लेकिन राजा भरत इतना सुंदर शासन किए, लोग अजनाब को भूल गए, नाम पड़ गया भारत, भरत से भारत बना। आज तक भी ये भरत महाराज के नाम पर ये देश का नाम है भारत। भरत महाराज बड़े सुंदर शासन किए, प्रजा पालन किए, लेकिन जो ही टाइम हुआ मलबत त्याग करके जंगल में चले गए भगवान भजन करने के लिए। लेकिन हमारा हमारा कैसा स्थिति है, 50 हो गया, महाराज जी बड़ा अच्छा कथा सुनाते, इक्का वन मतलब वन में चलो, अभी समय हो गया, वन मतलब वनं वृंदावनं नामं पशव्यं नवकाननं, वन मतलब वृंदावन चले जाओ भाई। आ हम लोग तो ऐसा है, 50 घर के 60 भी हो जाता है, वन को जान के मन ही नहीं करता, और वन भी चले गए वृंदावन, कभी गाड़ी लेके जाते हैं वापस कैसे आएंगे, दूसरा बस में मिलेगा नहीं मिलेगा, शायद रह जाएंगे तो बड़ा सुविधा है वापस आओ। ठीक है वही वन में जाओ आ जाओ, लेकिन वैष्णव कृपा करके यहाँ ही वृंदावन बना दिए तो भी लाइफ टाइम मत आओ, घंटे घंटे आओ तो भी नहीं आते। हाँ एक घंटा के लिए आ जाओ वृंदावन तो भी नहीं आते। कुछ लोगों को ऐसा है, सरकार जब रिजेक्ट कर देता है 60 साल के बाद रिटायरमेंट देता है तो भी जबरदस्ती जाके दूसरा कंपनी में घुसते हैं। सर हमारे ये एक्सपीरियंस है, मुझे ले लीजिए काम करा दीजिए, 25,000 चाहिए, क्या करोगे काम करके, सरकार रिजेक्ट कर दिया, भगवान अपनाने के लिए चाहते हैं, हाथ बढ़ाओ और भगवान को अपनाओ, वो भी नहीं करते, नहीं नहीं हमको तो पैसा चाहिए, पैसा तो आएगा और जाएगा, 60 साल कमाई किया तो भी भरण कर नहीं पाया, और 2-4 साल जिंदा रहोगे तो भी कमाई करोगे तो हो जाएगा, लेकिन आदमी सुनता लगा रहता है भाई, पैसा को ऐसा गिनती कर रहे थे, अभी भी गिनती करो लेकिन मारा तो गिनती करो, लेकिन ऐसा तो आगे खींचते क्यों, तो आगे ऐसा ऐसा नहीं करते, क्योंकि पैसा जाता है आएगा फिर जाएगा, लेकिन माला का तो ऐसे करो, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। जो जाएगा वही संपत्ति को 60 साल कमाई किया भाई, जो आएगा रहेगा तुम्हारे साथ उसी संपत्ति को तो 2 साल के लिए कमाई कर लो। आया है जो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ी चला कोई बघा जंजीर, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। लेकिन उन्होंने कंप्रोमाइज नहीं किए, हम लोग तो शादी होने के समय बड़ा कंप्रोमाइज करते हैं, अरे उम्र हो गया शादी करना चाहिए, 25 हो गया गृहस्थ में जाना चाहिए, पूरा घुसते हैं, प्रमाण कितना देते हैं, शास्त्र में कहा गृहस्थ बनो, 25 हो गया तो ब्रह्मचर्य खत्म हो गया, अभी गृहस्थ बनो, और शास्त्र में वो भी लिखा है 50 बनने के बाद वानप्रस्थ बनो, उसको भूल जाते, वो शास्त्र वास्त्र उसी समय याद नहीं आता है, छोड़ो वो क्या रेशम की कीड़ा होता है ना,
घर बनाता है, बनाता है, बनाता है, कहाँ निकलेगा कुछ पता नहीं चलता, वहाँ ही पड़ा रहता है, मरता है। और आदमी भी ऐसे 25 हो गया तो टारगेट लेता है, शादी करने का, शादी करने का, शादी करने का, शादी करने का छोड़ना उसको भूल जाता। कोई छोड़ते हैं? 50 हो गए कोई छोड़ने के बाद छोड़ो सोचते भी नहीं हमको एक दिन छोड़ना है। लेकिन भरत महाराज जी मलबत, मलबत मतलब त्याग, मल त्याग करने के बाद जैसा कोई आदमी देखता भी नहीं उस तरह, ऐसे संसार को छोड़ करके भरत महाराज जी आ गए और भजन किए, भगवान को पूजन किए। कहाँ गए? पुलह ऋषि के आश्रम में, हरि क्षेत्र में। हरि क्षेत्र इसलिए जहाँ गंडकी नदी का प्रवाह है, जहाँ सालग्राम प्रकट होते हैं, भगवान की हरि क्षेत्र चले गए और वहाँ पर भजन किए, साधन किए, गंडकी नदी के किनारे बैठे हैं। एक बार ऐसा दुर्घटना हुआ, एक हिरण, हिरण होते जुत्थ, हिरण जहाँ चलते जुत्थ में चलते हैं, पूरा एक साथ चलेंगे। लेकिन सिंह राजा होते हैं वो जुत्थ में नहीं चलते, अकला चलता है। इसलिए कहते हैं ना, बिना मंत्री और पटवार में राजा कौन है? सिंह। उनको कोई नहीं चाहिए फिर भी राजा है। हिरण लेकिन जुत्थ में रहते, लेकिन अकेली होने के कारण डर गई थी, भयाकुल हो गई थी, अपना जुत्था ढूंढते ढूंढते भयभीत हो गई थी। पानी पीने के लिए गंडकी नदी के किनारे आया और संत महात्मा भरत महाराज जी के बगल में आकर पानी पीने लगा। वैष्णव बड़ा प्रियात्मा होते, प्रियात्मन होते हैं, सारी प्राणी भी उनको प्रेम करते हैं, पता लग जाता है वो आतुरताई नहीं है, मारेगा नहीं। तो पानी पीने रहे थे, पी रहे थे, झट करके सिंह का बड़ा शब्द सुनाई दिया, गर्जन। सुन करके भयभीत थी ही कूद पड़ी गंडकी में। बिचारी गर्भवती थी, गर्भस्राव हो गया, कक्षच्युत हो गया। भय के कारण हिरण चली गई, हरिणी हिरण चली गई, कहां अवपात में गिर गया, मर गया। लेकिन गर्भ को देखा भरत महाराज जी ने, नदी में बहने लगा, दया आ गई। महात्मा के हृदय पे ऐसा होती है, दया भरपूर होती है। उठाया शिशु को, बच्चा को उठाया, लेने लगे भरत महाराज जी हिरण के पास छोड़ने के लिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि वो मर गई। भरत महाराज जी सोचने लगे, भगवान ने उनको मुझे दिया है, उनका भी कोई नहीं है, छोड़ दो तो जंगल में शेर खा लेगा, कहां गिर के मर जाएगा, अनाथ बन गया, उनका नाथ मैं ही हूं। घर में ले आए, धीरे धीरे उनका पीछे सेवा करने लगे, खिलाया पिलाया, बड़ा किए। धीरे 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 मन और भगवान से ओर से हट गया, मन लगने लगा हिरण के पास। कभी कभी भजन साधन सुबह हुआ नहीं, सुबह उठते ही हिरण का दर्शन किए, बेटा आ जाओ। भोजन करते हैं तो पहले तो भगवान को भोग लगा के खाते, जब हिरण खा लिया तब तो सोचते थे कि अब चलो भोग तो लग गया, क्योंकि भगवान तो हिरण के अंदर ही है। अभी भगवान को भोग लगना छोड़ दिए, हिरण को भोग लगाए, कभी कभी तो हिरण की झूठा खुद खाने लगे। हजार हिरण मर जाते हैं उसके लिए चिंता नहीं, लेकिन जिनके साथ संबंध हो जाते हैं उनके लिए चिंता होती है। इसलिए भाइयों, संबंध बनाना है दुनिया के साथ नहीं, अगर संबंध बनाना है तो विष्णु और वैष्णु के साथ। हमारे गुरुदेव कहते थे, और ये भरत महाराज जी धीरे 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 उनके साथ पूरा अटैचमेंट हो गए। एक दिन ऐसा आया, हिरण कहां तो चले गए और भरत महाराज व्याकुल हो गए।
पीरा दशा का भोग करने लगे, कितने दूर तक गए हिरण नहीं आया, बहुत दुख लगना लगा। भरत महाराज जी सोचने लगे, सूरज देव जब अंधेरा अस्त होने के लिए जा रहे, बातें के हे भगवान भगवान भुवन भास्कर, आपका किरण सब जगह है, आप जरूर दुनिया को देखते हो, तो हमारे हिरण बच्चा कहाँ है, आप जरूर देखा होगा, एक बार तो संदेश दे दीजिए, नहीं तो आपको अगर संदेश देने में दुख लगता है आप बोलो मत, लेकिन रुक जाओ, मैं अंधेरा हो गया तो ढूंढ नहीं पाऊंगा, तो अभी अभी ढूंढ लेता हूं। जब रात हो गया, चंद्रमा आ गए, चंद्रमा को देख करके भरत महाराज विलाप करते, चंद्रमा आप धन्य हो, क्योंकि मुझे लग रहा है ये खरगोश का चिन्ह है, इसलिए उनका नाम है शशांक। चंद्रमा का एक नाम है शशांक, शस मतलब खरगोश, उनका शरीर में खरगोश का चिन्ह है, इसलिए उनको शशांक कहते हैं। तो भरत महाराज बोले, शशांक चंद्रमा, मुझे लग रहा है चंद्रमा ये हिरण को आपने आश्रय दिया, आपके पास चले गए, अच्छा है, हमने उनके प्रति प्रेम नहीं किया, मैं बड़ा क्रूर बना, कभी कभी आ करके सिंह के द्वारा, जलबिंदु की तरह सिंह को हमारे शरीर में खुजली कर रहा था, उल्टा मैं उनको डांटता था, ए चुप बैठो, ऐसे बैठता था, मेरा साथ रहते रहते उनका मन चंचल नहीं बना, बड़ा स्थिर बन गया था, चुपचाप बैठता था, लेकिन मैंने ही उनको कितने बार गाली दिया, हमारे ऊपर क्रोध करके आपके पास चले गए, क्योंकि आप क्रोधी नहीं हो, आपके अंदर शीतलता, कितना कितना बात बोले, हिरण 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 होकर के शरीर को त्याग किए, भजन साधन छूट गया। सुखदेव गोस्वामी कहते, राजन हे राजर्षि परीक्षित, मनुष्य भजन करने के लिए आता है, दीक्षा भी लेता है, लेकिन अपना सिंसियर नहीं होने के कारण कभी कहाँ खो बैठता है, माला को भी छोड़ देता है, गुरु को छोड़ देता है, मंदिर छोड़ देता है, दुर्गति को प्राप्त करता है, लेकिन सज्जन अगर मंगल करना है तो रोज इसलिए सिंसियर बनना, सोचना है हमने आज कितना हरिनाम किया, आज मंदिर में भगवान के दर्शन कितने बार किया, आज मेरा गुरुदेव को मैंने कितना स्मरण किया, और कोई कोई तो इसलिए पूरा छोड़ के भी घर द्वार छोड़ के आ जाते हैं, और जो मंदिर आ जाते हैं तब किसको धर्म बहन बनाते हैं, धर्म की माँ बना देते हैं, धर्म की पिता बना देते हैं, लेकिन हमारे गुरुदेव कहते थे असली माँ बाबा को तो छोड़ के आया भजन करने के लिए, और इधर आने के बाद माँ बाबा फिर बनाते हो, धर्म की दुर्गति हुआ, छोड़ो भजन करो, हमारे संबंध केवल भजन के साथ, नहीं तो भरत महाराज जैसा दुर्गति होगा। तो भरत महाराज जी ने आगे जन्म में अंते जामति सागति, भरत महाराज का जन्म हुआ हिरण शरीर लेकर, लेकिन क्यों जन्म हुआ हिरण शरीर, अंत में वही दुर्गति, वही सोच रहे थे, हम भी वही सोचते हैं, अंत में जा करके भगवान के नाम लेंगे और पूरा बैकुंठ चला जाएंगे, कितना दिन से मेहनत करना क्या जरूरत है, अजामिले में बोल करके चले गए, हम भी अंत समय में बोलेंगे हरे कृष्णा। आप लोग तो अभी मेहनत करते हो, आदत बनाने के लिए कोशिश करते हो, लेकिन जो ऐसा सोचते हो नहीं बोलते, नहीं हाथ डाल दो और बोलना नहीं है, उन लोग के लिए बोल रहा था, लेकिन ये लोग नहीं बोलते, लेकिन ये बात पक्का है भाई, अगर जीवन भर माला हाथ में लेकर के भजन नहीं करोगे, भरत महाराज जी प्रयास करके घर बार छोड़ दिए तो भी हिरण के फांस में आ गए, और आप आदत ही बनाया नहीं, जीवन भर घर में रहो तो कैसे क्या करोगे, आएगा नहीं भगवान के नाम, बिल्कुल नहीं आएगा, मरने के समय तो देखना पूछना, बोलो हरे कृष्ण, नहीं बोलो मत, सुनो जब मैं बोलूंगा तब बोलूंगा, उनको बोलो हरे कृष्ण, मरण सज्जा में सोए है उनको पूछो बोलो हरे कृष्ण, वो क्या बोलते बताएं, पुत्ता को थोड़ा लाओ तो। इसलिए भाई
हिरण की बच्चा अगर उनका दुर्गति दिलवाया और हमारे साथ तो पूरा पूरा हिरण की बच्चा ने अपना बच्चा तो साथ में है, क्या सदगति होगा। नाती पोता पास में हर समय, और जब बूढ़ा हो जाता है तो बेटा बेटी का कोई काम धंधा नहीं होता है, वो मार्केट चला जाते हैं, इसलिए बूढ़ा बूढ़ी को एंगेज कर देते हैं उनको देखो, और उनका इतना अटैचमेंट हो जाता है उनके साथ, उनको पकड़ता है लाला हेलो, उनके साथ खेलता है। बताओ अंत समय में क्या गति है। अंत समय में भगवान की भजन नहीं करोगे, अंत समय में कभी सदगति नहीं होगा। हिरण शरीर में जन्म लिए लेकिन जाति स्मर कर, जाति स्मर सोचने लगे भगवान की भजन के लिए घर बार छोड़ दिया, सब कुछ राज्य प्रजा अपना, अंदर अपना भी पांच पांच बेटे थे भरत महाराज जी का, सारी बेटे के छोड़ के आ गया, छोटा सा नन्ना हिरण का बच्चा में आसक्त हो गया, तो दुर्गति हो गया। इस बार किसके पास नहीं जाऊंगा, भजन ही करूंगा। कुलह ऋषि के फिर आश्रम में चले गए, वहां पर जो प्रसाद मिलता था खाने लगे, वहां पर आश्रम को परिक्रमा करने लगे, जाति स्मर थे। तो मरण का जब समय आया, आधा शरीर गंडकी नदी के किनारे, आधा शरीर स्थल भाग में रख करके भगवान के नाम स्मरण करते हुए जीवन को त्याग किए। ये आपको झूठ लगता है, सबको झूठ लगता है, हमारे साथ प्रैक्टिकल की बात है, हम लोग को पता है। भुवन सर में भागवत कथा होती थी, एक सांड हर साल आता था सुनने के लिए, पहले आके बैठ जाएगा और जब कथा खत्म होगी तो लास्ट में जाता था, उठ करके प्रसाद पाता था। बीच में एकादशी आ जाएगा तो बिल्कुल नहीं कुछ खाएगा, देने पर लोग दे देते थे, आज प्रसाद तो भक्त लोग नहीं पाएंगे, उनको दे दो भगवान के अन्न प्रसाद, वो नहीं करता। सात साल जो ही पूरा हुआ, हमारे उड़ीसा में प्रैक्टिकल की बात है, जो ही पूरा हुआ सात साल में, वहां पर कथा सुनने के बाद सातवां दिन कथा खत्म, उनका शरीर खत्म। वृंदावन विहार लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, कथा खत्म हो गया। आगे 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 इधर आगे आगे तो सांड चले गए, भरत महाराज जैसा मृग शरीर को छोड़ दिए। आगे आ करके उन्होंने एक शरीर अंगिरस पुत्री ब्राह्मण के घर में, ब्राह्मण के कुल में पैदा हुए, उनके दो पत्नी थी, पहला पत्नी से नौ संतान पैदा हुए थे, दूसरा पत्नी से जुड़वा एक लड़का एक लड़की, जो बेटा बने वही है भरत महाराज जी थे। लेकिन फिर भी उन्होंने पूरा जाति स्मर से पुराने बात पूरा याद था, उन्होंने सोचा कभी हिरण के पीछे पड़ गया तो हिरण बन गया, अभी पापा मम्मी के पीछे भी पड़ जाऊंगा तो कभी पापा मम्मी बनना पड़ेगा हमको, इसलिए उनको भी छोड़ो, कुछ नहीं पूरा जड़ बन गए, बोले भी नहीं। पिताजी तो ब्राह्मण के घर के संतान थे, सबका बड़ा जत्न किए थे, छोटा बच्चा होने के कारण बड़ा जत्न करते थे बेटा। पिताजी ने ब्राह्मण ने सोचा चलो आर्टिस्टिक गायत्री सिखा दे, थोड़ा आचमन सिखा दे। लेकिन भरत महाराज जी तो पूरा उल्टा ही कर रहे थे, पिताजी सिखा देते थे शौचक्रिया करो मलमूत्र त्याग करने के बाद फिर आचमन करो, वो तो पहले शौचक्रिया आचमन करने के बाद फिर मलमूत्र त्याग करते थे। इतना बने चार साल चला गया, प्रणव ओंकार भी नहीं आया, पिताजी दुख में तड़पते तड़पते शरीर छोड़ दिए। भरत महाराज जी माता जी भी चली गई, ऐसा गमार देख करके नौ भाइयों ने उनको खेती में लगा दिया, गांव के लोगों को जड़ मान करके उनको पूरा जो जैसा चाहते थे काम कराने लगे, भरत महाराज तो काम कर लेते थे, घर में सब लोग खुद अच्छा अच्छा खा लेते थे, जो खराब बचता था उसको दे देते थे, व्रत वो भी खा लेते थे, लेकिन खाने के बाद खेती में रख देते थे, बोले कि उनके द्वारा कुछ नहीं होगा खेती में रख देते, और जो खेती में जगा जग 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 जगने के लिए सुरक्षा देने के लिए अनाज को रहने लगे तो चिड़िया आके खाने लगी, तो भरत महाराज सोचते थे कि ये तो भगवान की देन है,
हमको क्या जाता है, वो नहीं उड़ाते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि शुक्र की राजा आ गया जंगल में, देवी के पास अपना पुत्र प्राप्ति के लिए नर बलि देने के लिए उन्होंने तैयार किया था। दुर्जय से ये जो बल चढ़ाने वाला बलि था, बलि की बकरा, वो कहाँ चला गया। उनका सैन्य, उनका जितने पार्षद थे शुद्र राजा के, कहाँ से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा बलि, हट्टा कट्टा बलिष्ठ मिलेगा कौन, भरत महाराज जी। तो जब मिल गए तो बोले भाई अगर ये मिल गए तो बड़ा अच्छा, राजा तो और बड़ा प्रसन्न होगा, क्योंकि इस प्रकार शरीर बलि चढ़ जाएगा तो राजा का संतान अवश्य प्राप्त होगी, माँ बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाएगी। देखे भरत महाराज जी बिना कंप्लेन, बिना अभियोग से, बिना शिकायत किए चलिए। हम लोग होते तो जरूर पूछते कहाँ ले रहे हो, क्यों ले रहे हो भाई। वहां पर बलि चढ़ाने के लिए जब सब भोग लगाया, उनको बलि को खाने के लिए दिया जाता है, स्नान कराया, भरत महाराज आ रहा, और जब पहनाया कपड़ा, अच्छी नया कपड़ा पहना दी, पहन लिए, माला चढ़ाया, माला भी पहन लिए, कोई अभियोग नहीं, कोई कंप्लेन नहीं। पुजारी तो पूरे तो बताया कि हमने तो इतना बलि चढ़ाया लेकिन ऐसा बलि तो हमने देखा ही नहीं, मना ही नहीं करते, जो कुछ करो मान लेते हैं। लेकिन भरत महाराज जी को जब लिए बलि चढ़ाने के लिए रख दिए, जब खड़ग तलवार लेकर के पुरोहित आया और बलि चढ़ाने के लिए गया, देवी का जो मूर्ति था वो फट गया, वहां से साक्षात देवी प्रकट हो गए, तलवार ले गए, सारी जितना पुरोहित राजा सैन्य सामंत थे सबका मस्तक को वही तलवार में काट दिए, खून पीने लगे, जोगिनी साकिनी सब और गेंद खेलने लगे इसी माथा के द्वारा, लेकिन भरत महाराज जैसे तैसे उनका कुछ नहीं हुआ, बिगाड़े नहीं कुछ। लेकिन बड़ा विडंबना है, सुखदेव गोस्वामी पाद कहते राजन भरत महाराज जी बच गए, थोड़ा सा कृतज्ञता तो देना चाहिए था देवी को, देवी आपको प्रणाम, मुझे आप बचा दिए, ये प्रणाम करना क्या कृतज्ञता, भी ज्ञान नहीं किए, ज्ञान नहीं किए चले गए, क्यों भगवान की भक्त है, जीवन नहीं चाहते और मरने के लिए नहीं डरते, ये है महापुरुष। भरत महाराज जी इसलिए देवी को कृतज्ञता भी ज्ञान नहीं किए, कृतज्ञता दिए नहीं, प्रणाम भी नहीं किए, चल पड़े, लेकिन देवी तो सेवा की होता, वैष्णव को उन्होंने प्रणाम किया। भगवान की कोई भजन करे उनका सुरक्षा अपने हाथ में नहीं रहता, किनके हाथ में, भगवान के हाथ में। कितने बार कुछ भी होता है, सचमुच ऐसा होती है, भगवान अपना भक्त को जैसा शंख के अंदर रख करके चक्र की आड़ुहाड़ लगा करके सुरक्षा में रखते। भरत महाराज चल पड़े, अकला घूमने लगे जंगल में। एक बार सिंधु सौगीर से राजा रघुवर निकले, कहां गंगा सागर में कपिल मुनि के आश्रम पर जा रहे थे, किस लिए, कथा सुनने के लिए। ये देखो उत्कंठा तो उनका मंगल हो गया, लेकिन हमारा घर पास में कथा सुनने के लिए धर्म नहीं पाते, मंदिर पास में इसलिए बना है कथा सुनने के लिए आओ, लेकिन फिर भी हम आ नहीं पाते। प्रभु जी सही बात बता रहे हैं, गोपाल घर में उनका सेवा कर लेंगे, गोपाल की सेवा करने से डायरेक्ट सेवा नहीं होगा जब तक तो तुम कथा नहीं सुनोगे। कोई प्रभु मुझे बता रहे थे सत्य के पिताजी ना कौन, जब उन्होंने वृंदावन पहला बार गए, बड़ी आशा लेकर के गए थे कि क्या करेंगे, दर्शन करेंगे, मंदिर मंदिर में जाएंगे, वहां जाएंगे, वहां जाएंगे, वहां जाएंगे, लेकिन और महाराज जी जहां जाके कोई मंदिर में घुस रहे सब लोग को लेकर, हमारे प्रेमचंद प्रभु गए थे तो महाराज जी का फोन, अरे प्रभु जी कहां गए आप लोग, मैं महाराज जी गुरुदेव हम दर्शन करने गए, हे दर्शन छोड़ो जल्दी आओ कथा शुरू हो रहा है। क्या बंगालियों की मंदिर में ले आए हम लोग, वो कहाँ दर्शन करना, थोड़ा कहाँ मंदिर जाना, वो दर्शन कराते नहीं, करा देते भी नहीं, बस मंदिर कथा सुनो कथा सुनो, क्या कथा सुनेंगे। लेकिन
जब कथा सुनते सुनते ज्ञान हुआ तो अभी तो उन्होंने कहते प्रभु जी अभी अगर मठ में जाते हैं मंदिर में जाते अमर नहीं ढूंढते पुराने मंदिर कहाँ नया मंदिर प्रेम मंदिर की क्या बना बनाया है उसका देखने में मन नहीं करते अभी तो हम वही ढूंढते कथा कब होगी कथा कहाँ होगी कथा कब होगी कथा संबंध देती है नहीं तो महाराज जी का इतना महाराज जी इसलिए मंगल करने की भावना जानते हैं नहीं तो देखो आप लोग की मंगल करने ये तो वैष्णव का है ये तो वैष्णव है मेहनत करके मंगल कराते हैं और दूसरे का मंगल देखने से खुद खुश हो जाते हैं खुद प्रसन्न हो जाते हैं फूलते हैं इतने भक्तों को देख करके फूलते हंसते प्रसन्न हो जाते हैं ये सद्भावना है साधुओं के वैष्णव के अंदर होती है और केवल होगी कथा के द्वारा इसलिए 6 साल आए दूसरा कोई होता तो इतने साल हो गए 8 साल हो गए इस साल तो दूसरा कुछ करना चाहिए नूतन की चुप करो रे भाई नूतन की चुप करो नहीं प्रेमचांद प्रभु इस बार और कथा नहीं करेंगे चलो इस बार तो कुछ गो माता की दान करेंगे कथा करते करते बोर हो गए ऐसा होता है नहीं क्योंकि मंगल किसके द्वारा नहीं होगा मंगल केवल कथा के द्वारा ही होगा भरत महाराज जी उन्होंने पालकी लेकर के आ रहे थे कौन रघुगण राजा लेकिन एक पालकी वाहक का तबियत खराब हो गया बुखार हो गया उनको निकाल दिए दूत में सैन्य ने सेनापति ने ढूंढने लगे जब भरत महाराज जी मिल गए बोले अरे बाबा ये तो मिल गए चलो भरत महाराज मना भी नहीं किए और चलने लगे कैसा चलने लगे वैष्णव तो वही होते कोई भी जीव का प्राण चला जाए वो राजी नहीं होते चिंटी देख के चलते तो कभी ऊपर उठ जाते थे चिंटी को डालने वो पैर आगे कभी पीछे कभी बड़ा कभी छोटा कदम पालकी हिलने लगा ऊपर से रघुवर राजा ने जवाब दिए प्रश्न बचे क्या हो रहा है तीनों तो डर गए बोले अधुना में संप्रति अभी अधुना वर्तमान जो बाहक लगाया उन्होंने ठीक से नहीं रोते महाराज जी हम तो पूरा ठीक ठीक कदम मिला के चलते हैं तो राजा ने सोचा उनको अगर अभी दंड नहीं देगी तो सब लोग ऐसा हो जाएगा हमारे असुविधा हो जाएंगे उन्होंने बताया ए तुम जानते हो तुम तो बहुत समय से श्रम कर रहे हो बड़ा थक गए हो और देखने के लिए भी तो पतला हो कटुक्ति वचन बोले दुरुक्ति वचन बोले इनडायरेक्ट वचन बोले मतलब तुम हट्टे कट्टे हो थके हुए नहीं हो वर्तमान तुमको जुड़ा गया फिर भी तुम ऐसा क्यों चलते हो ठीक से चलो नहीं तो जम महाराज जो दंड देते हैं ना वही दंड दूंगा यानी मृत्यु दंड दूंगा लेकिन वैष्णव कितना दयालु देखो जिन्होंने बोला कि मैं तुमको मृत्यु दंड दूंगा उनका मंगल करने के लिए बोल पड़े वैष्णव कितना दयालु देखो तुम्हारा हृदय सदा गोविंद भरत महाराज जी राजा सात्विक थे चाहे राजसिक गुण संपन्न राजा होने के कारण बड़ा वैभव था फिर भी सात्विक थे क्योंकि कथा सुनने के लिए जा रहे थे उनको भरत महाराज जी आज तक मुख नहीं खोला था उनका मंगल करने के लिए मुख खोला और कथा बोला उनका मंगल
और ये शूद्र राजा बलि चढ़ाने के लिए जो लोग लिए ये लोग तामसिक थे, तम गुण के अच्छन्न थे, इसलिए उनको दर्शन दे करके देवी के द्वारा देवी प्रगट हो गई। जीवन भर भी पूजा करते तो साक्षात में देवी का दर्शन नहीं होता, लेकिन आज भरत महाराज जी का संयोग हुआ तो देवी का दर्शन हो गया और उनके हाथ में मरने के कारण आगे जाकर जरूर मनुष्य शरीर प्राप्त होंगे, भजन करेंगे, मंगल किए। और जो उनका भाई लोग थे ये लोग राजसिक थे, पैसा कैसे कमाई करेंगे, खाएंगे पिएंगे सोएंगे मरेंगे। ये जो राजसिक भाव है ये राजसिक लोगों को केवल दर्शन दे करके मंगल किए, सबका मंगल वैष्णवी करते हैं। तो भरत महाराज जी का मंगल करने के लिए, भरत रघुवर राजा के मंगल करने के लिए भरत महाराज जी ने बोलने लगे, त्वयोदित व्यक्तं अति प्रलब्धं भर्तुं समेष्यात् यद्वीरभारः गन्तुमर्यदि स्याद् अधिगम्यमध्यात् पीरे तिरासो नबिदं प्रवाह। उन्होंने बताया कि देखो राजन तुम सच बोल रहे हो, मैं थका हुआ नहीं हूं, क्योंकि मैंने जीवन में कभी थकता ही नहीं, 84 लाख जोनी भ्रमण करता हूं, कितने कहां जाता हूं लेकिन थकता नहीं, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा और अभी अभी नया जुड़ा हुआ हूं। सही बात है, क्योंकि नया नया शरीर बार बार ही लेता है। और हमारे शरीर स्थूल है, सही बात है, लेकिन आत्मा तो ना स्थूल होती ना पतला होती। इतने जग बात सुने, रघुगण राजा तो ज्ञानी थे ही, पालकी के ऊपर से गिर पड़े, बचाओ मेरे द्वारा अपराध हो गया, हे महात्मा जी अब कौन है। जीवन मृततं नियमेन राजन् कष्टं निगूढस्तरसे द्विजानं विभासि सूत्रं कतमो वधूतः कस्यासि कुत्रत्य इहापि कस्मात् खेमाय निश्चे दशी शुक्ल। हे महात्मा आप कौन है, जीवन आप ऐसे महात्मा कौन है, अवधूत साक्षात आ गए क्या जो ऐसा वेश में घूम रहे हैं। आपके अंदर जनेऊ का निशान है इसलिए पता लगता है अब सब ब्राह्मण है, या ऐसा कोई महात्मा है, या ऐसा साक्षात रूप में कपिल देव ही इस प्रकार रूप में हमारे सामने प्रकट हो गए, मैं अपराधी हूँ आप मुझे बचाइए। नाहं विशोकं सुरराज वज्रात् नत्रक्ष सूलान जमस्य गंडात् नागरीय किशोर माने कवि उपास्यात् संके विषं ब्रह्म पुराण कामना। महाराज मैं इंद्र की वज्र को नहीं डरता, चाहे इंद्र हमारे साथ में विरोध करे युद्ध करे, हमारे साथ सामर्थ्य हमारे पास, इंद्र की वज्र को मैं नहीं डरता, शिव जी के त्रिशूलों को भी नहीं डरता, एवं जगत में और जो कोई जमराज है जो मारत है उसी मृत्यु को भी नहीं डरता, लेकिन हे महात्मा विष्णु के चरण में हमारे अपराध हो जाएगा तो उसको मैं बहुत डरता हूँ। क्यों, इंद्र वज्र के द्वारा मार डालेगा, मरूंगा तो दूसरा जन्म मिलेगा, भक्ति वहां से शुरू होगी। शिव जी के त्रिशूल में अगर अभी मर जाऊंगा अगला जन्म मिलेगा वहां से शुरू होगी। जम महाराज मुझे मार डालेंगे रखेंगे तो नहीं दूसरा नरक देंगे, नहीं तो दूसरा जन्म मिलेगा, भक्ति वहां से करूंगा शुरू होगी। लेकिन अगर वैष्णव चरण में अपराध हो जाएगा हमारे भक्ति ही विलुप्त हो जाएगा, इसलिए हे महात्मन मुझे कृपा कीजिए, आपके चरण में हमारे अपराध हो गया अब मुझे ज्ञान दीजिए। तो भरत महाराज जी बड़ी सुंदर सुंदर बात बोले, लेकिन उसका एक बड़ी सुंदर बात है क्या कि
महाजन जन बतने रघुगणी तपस्या में गए बिना महत पद बिना महत पद रजो अभिषेक बोले राजन तुम चाहे यज्ञ दे दो यज्ञ कर लो तपस्या कर लो दान दे दो जो कुछ भी कर लो हजार हजार कुछ भी काम कर लो लेकिन ये पक्की बात है तुमको भगवान प्राप्ति नहीं जब तक तुम कोई वैष्णव के चरण रज का आश्रय नहीं किया स्नान नहीं किया बिना महत पद रजोभिषेकम बिना महत वैष्णव की चरण रज्जु के द्वारा अगर स्नान नहीं किया तुमने कभी भगवत प्राप्त नहीं कर पाओगे। वैष्णव चरण रज्जु में स्नान करना मतलब क्या है महत्व की पद में मतलब कोई कोई लोग ऐसा होते सच में जो जहाँ चला जाते हैं उनका चरण की धूल को इकट्ठा करके स्नान कर लेते हैं ऊपर में डाल लेते हैं है अच्छी बात है लेकिन वास्तव अर्थ ये नहीं वास्तव अर्थ ये है कि वैष्णव की अनुगत्य में रह करके आश्रय पदाश्रय गुरु पदाश्रय करके महत्व के पद को आश्रय करके उनको अपना करके अगर उनके बन करके तुम अगर सेवा नहीं किया कथा नहीं सुना उनके शरणापन्न नहीं हुआ तो तुम्हारे जीवन में कोई कल्याण नहीं बनेगा। चाहे तुम हजार यज्ञ कर लो हजार दान कर लो हजार तपस्या कर लो कुछ भी कर लो लेकिन वैष्णव की अगर सानिध्य में रह करके भजन नहीं किया तब तो तुम्हारे मंगल नहीं हुआ। बोलो भरत महाराज हरि नाम संकीर्तन की निताई गौर प्रेमा हरि हरि बोल हाँ दो मिनट कीर्तन कर लो अभी भगवान वामन देव और भगवान कृष्ण जन्म लेने वाले मेरे पीछे विश्वास कीर्तन कर लो बोल हरे कृष्ण हरे कृष्ण ताली बजाते हैं कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 Hare Krishna
सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात करे शिक्षा गुरुदेव नितलीला प्रविष्टम विष्णु पाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित श्रील बंसी वदन प्रभु अन्य वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथा युग प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आप लोग ने अभी तक श्रील प्रभु जी से श्री भरत महाराज की कथा को सुना है, जिनका नाम पर ये श्री भारत वर्ष नाम पड़ा है। इसलिए उन्होंने शिक्षा दिया है ये संसार का बंधन, एक हिरण का प्रति अगर आसक्ति हो गई तो उनका 3 जन्म बर्बाद हो। इसलिए जब वो तीसरे जीवन में आते हैं ना, वो जान बुझ करके पागलपन करते, पागल नहीं थे, उन्होंने पागल का नाटक किया है। उन्होंने शिक्षा दिया है अगर फिर इसी संसार में ज्यादा होनहार हो गए ना, फिर संसार का बंधन फिर भोगना पड़ेगा, फिर शादीशुदा करे थे फिर माया में फंसना पड़ेगा, फिर तो 84 लाख दुनिया में भटकना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने जान बुझ करके उन्होंने पागल बन किया है। अभी उन्होंने केवल एक हिरण का प्रति आसक्ति हो करके उनका 3 जन्म बर्बाद हो गया। अगर हमें पूछा जाए ना हमारी आसक्ति कहाँ कहाँ पर, बेटे में, नाती में, पोती में, घर का टीवी में, हैं, घर में एक सुई धागा होगा उसका प्रति भी हमारा आसक्ति है। आप बताओ मरने का बाद फिर क्या होगा। इसलिए शास्त्र में बताया ये जो मानव शरीर है ये कर्म जन्य है। एक मानव शरीर में इतने कर्म बनता है उसको भोगने के लिए हमें 84 लाख जन्म भटकना पड़ता है। इतने कर्म एक जन्म में बनती है, इतने कर्म का चक्कर इतना है। अभी प्रश्न है फिर भैया ऐसे कौन सा उपाय है हम संसार में रहे, नाती भी होगा, पोती भी होगा, बेटा भी होगा, सब कुछ होगा,
लेकिन ये हम संसार का बंधन नहीं होगा। तब श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने एक बढ़िया सूत्र उन्होंने बताया, घर में रहोगे लेकिन तुम्हारी बंधन नहीं होगा। बोले क्या करना पड़ेगा, कहते कृष्ण रे संसार कर छाड़ी अनाचार, यदि न गृह भजन देखी गृह ते गोलक भाई। देखो इतना बात अपना दांत बांध दो, समझो पूरी भागवत कथा सुनना हो गया है। वो कहते हैं अपना संसार को कृष्ण भक्त का संसार बनाओ, जिस घर में ठाकुर की सेवा पूजा भक्ति हो, कहते वो घर नहीं वो वृंदावन धाम है। जैसे आप देखे होंगे जब कोई व्यक्ति मृत्यु होती है, चारी तरफ में नाती पोती दामाद बेटा बेटी घिरे रहते हैं। बड़ा दामाद कहता है, बोले ससुर जी मेरे को पहचान रहे हो, मैं आपका बड़ा दामाद हूँ। वो आंख खोल कर देखते, बेटी छोटी बेटी कहती है, फिर पिताजी मेरे को पहचान रहे कि नहीं, मैं आपकी छोटी बेटी हूँ। ऐसे देखते हैं, ऐसे सबको देख करके सबको चिंतन करते करते शरीर त्याग देता है। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं मरणे जामति सागति, मरते समय जैसे जैसे सोचते हुए हम मरेंगे ठीक हमारी गति वैसे होगा। ये भरत महाराज का उदाहरण है, उन्होंने हिरणों को स्मरण करते करते मरे, इसलिए हिरण मरे। अगर हम संसार को चिंतन करते करते मरेंगे, इसलिए आप कभी कभी देखना संसार में जब कोई नाती पोती जन्म लेता है ना, तो देखो देखो इसकी दादा की जैसे अंगुल है, कहते ना इसकी दादी की जैसे देखो उसका हाथ दिखता है। मतलब क्या है, फिर वही संसार का आसक्ति में फिर भटकते भटकते फिर आ गया। और कैलाश जी, हम हर साल कथा सुनाता हूँ, कैलाश जी संसार की चिंतन करते करते मरे तो दूसरे जन्म में उस घर में कुत्ते बंद करके आए। फिर नारद जी समझाए, फिर भजन करो, बोले नहीं बच्चा थोड़ी सी होनहार हो जाए, अभी भी होनहार नहीं बना, दूसरे जन्म में फिर घर में बैल बन करके आता है। फिर नारद जी समझाए, बोला अभी तो भजन करो, पहले कुत्ते बने फिर बैल बन कर खेती करा रहे हैं, अभी तो भजन करो, बोले बच्चा और थोड़ी सी होनहार हो जाए। फिर तीसरी जीवन में जहाँ पर उन्होंने गड्ढे खोद करके घर के सोने चांदी रखा था उसके ऊपर सांप बनकर फिर आए, सांप बनकर बैठा हुआ। फिर नारद जी जब बेटा ने डंडा मारा उसको, जब कमर तोड़ दिया पिताजी को, तभी उसको ज्ञान आया, फिर भगवान की भक्ति किया तो लेकर के उसको बैकुंठ गए। मतलब इतने जीव को दुर्गति भोगना पड़ता है। हाँ देखो हम संसार में ऐसे क्या काम करें, पूरा परिवार हो लेकिन बंधन दशा नहीं होगा। कहते हैं सबसे सरल उपाय है अपना घर को भगवत का धाम का स्वरूप दो, घर को भगवत धाम का स्वरूप दो। अगर घर में बेटा भजन करता है, घर में बहू भजन करती है, घर में नाती पोती भजन करते, सबकी गला में तुलसी की कंठी हो, सब तिलक लगाए, सबके सब भगवान की माला जप करते हैं, अगर अंतिम समय में इसको याद करते करते मरोगे सीता वैकुंठ जाओगे, क्योंकि आप जिसको याद कर रहे हैं उसके गला में तुलसी की कंठी है, वो तिलक लगाया, वो ब्रह्म का भजन कर रहा है, भक्ति कर रहा है। तुम संतों को दर्शन करते करते, भक्त दर्शन करते करते तुम्हारी मृत्यु हुई, फिर तो तुम्हारी ये बंधन दशा नहीं होगी। क्यों, पूरा परिवार सदगुरु का चरण आश्रय किए हुए, सबके सब ठाकुर जी की भक्ति करते हैं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अपना घर को भक्त का परिवार बनाओ, सबके सब उठ करके ठाकुर जी की आरती करे, घर में ठाकुर जी के हरिनाम करे, हर चीज घर में ठाकुर जी की भोग लगे, फिर तो घर नहीं वही वृंदावन है, वही वृंदावन धाम। श्लोक अगर कोई पढ़ ले तो उसकी घर में राधा कृष्ण की निवास हो जाता है। इतने महत्व ये भागवत ग्रंथ की और ये भागवत का श्लोक को। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है हमारे घर में जितने उल्टा पुल्टा गंदी फिल्म का इधर उधर सब पुस्तक पढ़ा होगा, लेकिन घर में गीता भागवत रामायण नहीं मिलेगा। अगर होगा ना उसको बांध करके उसको किसी ऊपर में रखा हुआ होगा किसी घर। देखो मैंने हर साल कथा सुनाता हूँ, देखो ये गीता की कितने महत्व है। गीता जयंती आती है ना, एक समय गीता जयंती आई, इसको लेके भक्त लोग गीता बेच रहे थे। ये अमेरिका की बात है, एक व्यक्ति प्लेन से उतरा, एक व्यक्ति ने कहा भैया गीता लो दिखा, लेकिन वो पांच छह व्यक्ति लाइन से खड़े हुए थे अलग अलग जगह पर,
जब दो तीन व्यक्तियों से लिया ने क्या देर बेकार कीजिए, बोले भैया पांच छह व्यक्ति खड़े हुए हैं, उसने दो चार डॉलर देकर के गिता करती कर लिया, लेकर के उसका ड्रम रख लिया, बोले बेकार है ये तो किसी काम का है नहीं। वो व्यक्ति इतने डिप्रेशन में आ गया, इतने डिप्रेशन में आ गया, वहां पर सोचा आज मैं सुइसाइड करूंगा। अभी सुइसाइड करने जा रहा था, अभी जिसमें जिस ड्रा में वो गीता रखा हुआ था उसमें बंदूक रखा हुआ था, उसने जब ड्रा को खोला वो गीता हाथ में बंदूक नहीं आकर आ गया भगवत गीता। अभी तो मरने वाले सुइसाइड करने वाले, वो गीता को उन्होंने पन्ने को खोला, खोल करके देखा कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन हम ये शरीर नहीं है, हम ये आत्मा है। ये शरीर तो जैसे कि वस्त्र धारण करते हैं ऐसे ही आत्मा को ऊपर में ये कवर है, जैसे वस्त्र पुरानी होने पर हम उसको छोड़ देते हैं नया वस्त्र धारण करते हैं, उसी तरह ये शरीर भी एक वस्त्र है, जब पुराना होने पर छोड़ देते हैं, जब हम वृद्ध हो जाते हैं ये शरीर को छोड़ के आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। ये आत्मा की जन्म नहीं मृत्यु नहीं शाश्वत नित्य है। इसलिए हे अर्जुन अगर तुम जीवन में शांति सुख पाना चाहते हो क्या करो, भगवान की भक्ति करो, भगवान की भजन करो, भगवान की भक्ति से ही तुम्हें परम शांति और परम सुख मिलेगा। एक उदाहरण दे तो समझाए, आप भी समझो अच्छे तरह से। जैसे कि पिंजरा है, वो पिंजरा के अंदर में एक तोता है, अगर तुम दिन भर पिंजरा को अगर कलर करोगे लेकिन अंदर में जो तोता बैठा हुआ अगर उसको खाना नहीं दोगे, केवल पिंजरा को दिन भर उसको कलर करते रहो, फिर तोता जिंदा रहेगा कि नहीं बताओ। हम भी ऐसे ही कर रहे हैं, ये शरीर को ब्यूटी पार्लर में लेकर सजवाएंगे, इसको जिम में ले जाएंगे, चवन प्राश खाएंगे खिलाएंगे शरीर को, बढ़िया बढ़िया, लेकिन इसका अंदर में जो तोता बैठा है ना, जो आत्मा परमात्मा बैठे हुए, उसके लिए कुछ नहीं करते हैं तो मर जाएगा तोता, तो मर जाएगी। इसलिए कृष्णा अर्जुन को ये सब चीज समझा रहे हैं, इतने में उसने सुइसाइड क्या करेगा, मरेगा क्या। रात भर ये भगवत गीता को उसने पढ़ते रहा, रात भर सुइसाइड करना छोड़ दिया, जैसे उसके एक अलग जगत उसको मिला है। भगवान समझा रहे हैं ये संसार का सारे विषय वस्तु अगर तुम एकत्रित कर लो तुमको जीवन में शांति नहीं मिलेगी। बोले क्यों, क्योंकि ये शरीर जो दुनिया है ये नश्वर वस्तु है, ये दुख का घर ये है, ये जगत में सबके सब अनित्य वस्तु, ये अनित्य वस्तु कभी तुम्हें नित्य वस्तु दे ही नहीं सकता है। अगर तुम सुख पाना चाहते हो भगवान की भक्ति करो। इसलिए कि जैसे कि नया राज्य और एक नई बात उसको मिली, रात भर उसने गीता पढ़ा, सुइसाइड करना छोड़ दिया, देखा ये गीता में एड्रेस कहाँ की ये गीता है, वो इस्कॉन का कोई एड्रेस था, ढूंढते ढूंढते वहां पर पहुंचा, संतों के पास में गया, फिर उनने सारे प्रश्न किया हमें क्यों संसार में सारे भोग सुख सब कुछ है लेकिन शांति क्यों नहीं मिल रही है। तो उन्होंने इसका आंसर दिया, बोले बेटा जब तक भगवान की भक्ति नहीं करोगे तब तक कृष्ण विमुख कभी सुख नहीं पावा। भगवान से विमुख होकर के हम कितने पैसा कमा लेंगे, हमारे पास में कितना सोना होगा बताओ, 2 किलो 3 किलो 10 किलो 20 किलो। रावण का कितना सोना था, पूरा लंका ही सोना ही सोना, लेकिन हमारे मन में एक भ्रम बैठा हुआ है शायद ज्यादा अगर पैसा कमा लेंगे ना सुखी हो जाएंगे। भैया रावण सबसे ज्यादा सुखी होता लेकिन सबसे ज्यादा दुखी हो जाता। दूसरी इच्छा, अगर किसी अच्छी छोरी से शादी कर लेना लड़की से सुखी हो जाएगी। रावण का पत्नी का नाम क्या था, मंदोदरी। आपको पता है मंदोदरी मतलब क्या है, मंद मतलब होता है पतली, उदर मतलब होता है कमर, जिसकी कमर बहुत ही पतली थी उसी समय वो विश्व सुंदरी थी, विश्वकर्मा की बेटी है, उसने सारे सद्गुण सबसे सुंदरता देकर वो बेटी को उनने बनाई थी, उसकी पत्नी थी। बेटा कैसे सोचते हैं शायद बेटा होने पर सुखी हो जाएंगे, इंद्रजीत जैसे बेटा इतने आज्ञा करी बेटा है, पिता के लिए अपना जीवन दे दिया लेकिन चैन से नहीं जिंदा रहा था, बेचैन से फिर सीता को उठा कर ले गया, फिर तभी इच्छा पूरी नहीं हुई, फिर सीता को उठा कर ले गया, इतने लास्ट में लेकिन एक व्यक्ति चैन से वहां जी रहा था, लेकिन लंका पूरा के बना बेचैन से जी रहा था।
एक व्यक्ति चैन से जी रहा था, वो कौन था? विभीषण। बोले क्यों? कारण है भगवान राम की भक्ति करता था, इसलिए शिक्षा देते हैं ये विश्व ब्रह्मांड का वैभव मिल करके भी हमें शांति नहीं दे सकती है। तभी शांति में रहोगे जब जितने प्रभु की भक्ति करोगे उतना दुखी रहोगे जितनी संसार में मन को डुबाओगे, क्योंकि संसार का हर वस्तु एक दिन नष्ट होने वाले। एक दिन महाराज कह रहे थे, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, लेकिन सबसे ज्यादा दुखी कौन है? जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से सबसे ज्यादा दुखी है। इसलिए हमें इसलिए वो पहुंचा किसको पास में? वो पहुंचा वो संतों के पास में। अरे सारे ज्ञान की बात सुना, सुन करके उनने सब कुछ त्याग दिया, दे करके वो अमेरिका का व्यक्ति, हम जैसे सन्यास लिए ना, सन्यास लिया संपूर्ण पृथ्वी में अभी गीता को प्रचार कर रहे, अभी भी वो संत है। एक गीता की एक रात गीता को पढ़कर इतने जीवन परिवर्तन हुआ। लेकिन हम हिंदू है, हमारे मूल धर्म गीता है। कोई गीता पढ़ते हो? कौन कौन पढ़ते हैं? देखो वही वही पढ़ रहे हो जो मंदिर में आ रहे हो, जो मंदिर में आ रहे हैं वही गीता पढ़ रहे हो, और कोई गीता को नहीं पढ़ते हैं। इसलिए इंडोनेशिया नाम सुना होंगे, मुसलमान कंट्री है, वो हमारे संतों को बुला करके वो लोग रामायण गीता भागवत सुनते हैं, कि वो लोग मुसलमान होकर के हमारे ये धर्म को यहाँ से संतों को बुला बुला के गीता भागवत को पढ़ते हैं, सुनते हैं। इसलिए आप लोग जरूर ग्रंथ को पढ़ो और भगवान के सुखी रहो। बच्चों को बोलो, बच्चों को संस्कार दो। हमारे मंदिर में एक हमारे जनार्दन प्रभु लेके आए हैं, यहाँ पर एक यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर बैठे हैं। ये भी M.Com करके आया है, अभी छोटे छोटे बच्चों को श्लोक सिखाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को हरिनाम कराते हैं। यहाँ पर कुछ बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं जो यहाँ पर आते हैं, कथा में तिलक लगाए, गला में घंटी बजने हैं, हैं बच्चे लोग गीता की श्लोक याद कराते हैं। इसलिए आपसे प्रार्थना है, आप लोग भी अपना अपना बच्चों को ना मंदिर में छोड़ो। मैं जहाँ जाता हूँ एक ही बात सुनता हूँ, बच्चे बात नहीं सुनते, सारा दुनिया एक ही कहते, बच्चे हमारी बात नहीं सुनते हैं, हैं? कारण अगर भक्ति करेंगे ना तभी तो बात सुनेंगे, उनके अंदर में तभी तो संस्कार बढ़ेगा, तभी तो संस्कार बढ़ेगा। इसलिए अगर चाहते हो बच्चे आपकी बात सुने, पिता माता की सेवा करें, उनको जरूर मंदिर में भेजो, फिर तो आपकी पूजा करेगा, आपकी बात को जरूर सुनेगा। ठीक है, एक काम करना, अपना बच्चों को मंदिर में भेजा करना, खुद भी आओ, बच्चों को साथ में लेकर भी आओ। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोले श्री भगवान बामन भगवान की जय। अभी कथा को सटकट में सुना देता हूँ, आप हर साल सुनते हो। कहते कैसे देवता दैत्य में लड़ाई होती थी, देवता लोग भगवान को पास में गए, बोले अमर कैसे बनेंगे? बोले समुद्र मंथन करो, समुद्र से अमृत निकलेगा तो अमर बन सकते हो। समुद्र मंथन किया, सबसे पहले हलाहल बीज निकला, लेकिन शंकर जी को प्रार्थना की तो शंकर जी टन के टन उन्होंने जहर को पी लिया, लेकिन धारण कहाँ पर किया? बोले गले में। लेकिन इसलिए शंकर जी का गला क्या हो गया? नील हो गया, इसलिए शंकर जी का एक नाम पड़ गया नीलकंठ। बोले श्री नीलकंठ महादेव की जय। इसलिए शंकर जी दुनिया को शिक्षा देते हैं, अगर कोई गंदी चीज हो ना उसको मुंह में मत रखा करो, अगर मुंह में रखोगे तो लड़ाई होगी। जैसे द्रौपदी की वजह से पूरा महाभारत हो गई, और सीता जी की वजह से पूरा रामायण हो गई। कभी कभी हमारे घर में भी महाभारत हो जाती है। बोले क्यों? बोले ये जीवा की वजह से। इसलिए गुरु जी कहते थे हर चीज में हड्डी है, अंगुल में हड्डी इसलिए सीधा हो जाता है, हाथों में हड्डी इसलिए सीधा हो जाता है, कमर में हड्डी तभी बैठे नहीं, लेकिन एक चीज में हड्डी नहीं। किस में हड्डी नहीं? जीवा में हड्डी नहीं। इसलिए हर समय ये लपर 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 करता है, हैं? हर समय बोलना चाहता है। अब देना घर घर में क्यों लड़ाई है? ये जीवा की वजह से। इसलिए माताओं को शिक्षा देती है ये द्रौपदी से ही महाभारत और सीता जी से रामायण में। इसलिए खबरदार कभी ये जीवा को इधर उधर चलाना नहीं, नहीं तो हमारे घर में भी महाभारत हो जाएगी। शंकर जी शिक्षा देते कोई भी गंदी चीज को अपना
हृदय में भी मत ले जाया करो, क्यों हृदय तुम्हारी अपवित्र हो जाएगी। इसलिए समुद्र मंथन से जब अमृत निकला देवता दैत्य में लड़ाई शुरू हुई, फिर भगवान मोहिन अवतार धारण करते हुए जब अमृत को पिला रहे थे, पिलाते पिलाते उन्होंने सारे देवता को उन्होंने अमृत को पिला दी। जब देवता लोग अमृत पान कर लिया, ये अमर बन गए, अमर बन करके सारे दैत्यों को उन्होंने मारना शुरू किया। ब्रह्मा जी आकर के फिर रोके, लेकिन उनको गुरु जी शुक्राचार्य जब फिर मंत्र पढ़ करके सारे दैत्यों को जिंदा कर दिया। अभी दैत्यों में जो राजा श्री बलि, अभी बलि ने एक यज्ञ किया जिसका नाम था विश्वजीत महायज्ञ। यज्ञ से एक रथ निकला, वो रथ में बैठ करके उन्होंने स्वर्ग को ऊपर में चढ़ाव किया और सारे दैत्यों को मार मार करके भगा दिए और पूरा के पूरा इंद्र राज्य के में अधिकार कर लिया। अभी देवता लोग दर दर भटक रहे हैं। अभी इनकी माता अदिति श्री कश्यप जी से पूछे, मेरे पुत्र को राज्य कैसे मिले? बोले 12 दिन का एक पय व्रत है, ये पय व्रत करो भगवान वामन देव प्रकट होंगे। बोले श्री वामन भगवान की। जब श्री वामन भगवान प्रकट हुए, उनकी उपनयन संस्कार की नियम है, उसको बाद में गुरु जी को भिक्षा देना पड़ता है। बोले गुरु जी क्या भिक्षा चाहिए? बोले मेरे को स्वर्ग राज्य वापस दो। बोले कहाँ से लाओ? बोले जाओ, बलि महाराज को यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ को बाद में ब्राह्मण को दान देते हैं, आप उनसे स्वर्ग राज्य को मांग करके लाओ। जब श्री वामन भगवान पहुंचे, इनकी तेज ज्योति की प्रकाश देख करके बोले ये क्या स्वयं अग्निदेव, ना चतुसन ना स्वयं सूरज प्रकट हो गए। उनको चरण धो करके अभिषेक करके चरणामृत लिया और पूरा देश में शांति वाले रूप में छिड़काव करवाए। बोले आप जो कुछ मांगोगे आप मांग लो, आपको जी भर करके मैं दान दूंगा, फिर आपको झोली पसारने का जरूरत नहीं। बोले आप पहले संकल्प कर। लेकिन जब संकल्प करने जा रहे थे, शुक्राचार्य यज्ञ में लगे हुए थे, स्वाहा स्वाहा कर रहे थे, किसने बोला भैया तू तो यज्ञ में लगे हुए हो, तेरे चेले तो लुटे जा रहे हैं। इतने में शुक्राचार्य भागते भागते आए। बोले बलि सावधान, जानते हो ये कौन है? बोले कौन है? बोले पहले जो मोहिनी बन करके आई थी ना, तुमको अमृत से वंचित कर दिया, वही मोहिनी फिर ये मोहन बन करके आया। तीन पग जमीन नहीं, ये त्रिभुवन राज्य को उन्होंने ले जाएगा। बोले भैया मेरे दोनों हाथ में लड्डू ही लड्डू है, एक में तो भगवान, फिर स्वयं जाचक बन करके आए भीख मांगने के लिए, ऐसे किसका सौभाग्य होगा? वो इच्छा करने पर विश्व ब्रह्मांड को ले सकते हैं, लेकिन मेरे दरबार पर उन्होंने भिक्षा मांगने के लिए आए, मैं तो जरूर दूंगा। बोले मेरे बात को नहीं सुनेंगे? बोले नहीं। बोले तेरे को मैं अभिशाप देता हूँ, स्त्री भ्रष्ट हो जाओ। देखो नियम है, गुरु जी को त्याग नहीं देनी चाहिए, नियम है, शास्त्र का विधान है। लेकिन यहाँ पर श्री बलि महाराज गुरु को त्याग दिया। बोले कब गुरु जी को त्याग दे सकते हो? ये पद्म पुराण कहते हैं, बोले अवैष्णव उपदेष्टन मंत्रिणा निरयम व्रजत पुनः विधिनाम समग्र ग्राह्यात वैष्णवात गुरु। देखो ये श्लोक को सुनो क्या कहता है। बोले गुरु अगर अवैष्णव हो, वो वैष्णव संप्रदाय में नहीं है, उनसे मंत्र लेने से कैसे तुम्हारी कोई कल्याण नहीं, क्योंकि शुद्ध वैष्णव परंपरा में नहीं हो गए। पुनः विधि नाम सामग्री उपयुक्त विधि विधान को साथ में ग्राह्यात वैष्णवात गुरु, पुनः तुम वैष्णव गुरु को ग्रहण करो, तभी तुम्हारी कल्याण है। इसलिए गुरु जी को त्याग नहीं देनी चाहिए, लेकिन उन्होंने गुरु जी को त्याग दिया है। क्यों? कारण है, उन्होंने भगवान की भक्ति में विरोध कर रहा है, भगवान की भक्ति की उपदेश नहीं दे रहे हैं। साक्षात ठाकुर जी सामने खड़े हुए, गुरु का काम क्या है? गुरु का काम है अखंड मंडलाकारम व्याप्त जेन चराचरम तत्पद दर्शितम जेन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु उसे कहते हैं जो हृदय की अज्ञान रूपी अंधकार को हटा करके
जो कण-कण में जो भगवान की निवास है, जो हमें ठाकुर तक पहुंचा दे, ये गुरु जी का काम है। अगर गुरु अगर हमें ठाकुर के भक्ति में विरोध करता है, भगवान की भक्ति में ही विरोध करता है, इसलिए त्याग करने में इसमें कोई दोष नहीं, कोई दोष नहीं। फिर भगवान एक पद में उन्होंने भूर भूव मोह जन तप सत्य लोक को नाप लिया, सत्य लोक में चरण पहुंचा तो ब्रह्मा जी अभिषेक करके चरणामृत का मंडल में रखा, वही श्री पति पावन श्री गंगा हुई। बोले श्री गंगा देवी और दूसरे पद में अतल बीतल तलातल सुतल पाताल लोक तक ले लिया। बोले बताओ तीसरे पद कहाँ पर? उन्होंने गरुड़ जी को बुला करके उनको नाग भास बंध में बांध दिया, लेकिन उनकी जो पत्नी थी ना बड़ी बुद्धिमान, बड़ी भक्तिमती थी। बोले आप भगवान को क्या दिया? दुनिया भगवान का, भगवान दुनिया को दिया। जब तक खुद को खुद ठाकुर जी के चरण में समर्पण नहीं करते हो, दोना थोड़ी हुआ है। बोलो ना मेरे सर के ऊपर रखे। बोले भैया ये सचमुच से पत्नी है। पत्नी मतलब है पति को जो कभी पतन होने नहीं दे, पति को हर समय उठा करके रखे। ऐसे नहीं संपत्ति में रहे, विपत्ति आए तो छोड़कर भाग जाए, नहीं, इसको पत्नी नहीं कहती है। पत्नी वही है जो पति को हर समय उठा कर रखे, धर्म में भक्ति में जो मदद करे, उसको ही पत्नी कहती है। हाँ? अगर प्रभु की भक्ति में भजन में मदद नहीं करे तो भैया वो पत्नी है ही नहीं। इसलिए जो ऋषभ देव की कथा सुन रहे थे अब तक, ये ऋषभ देव अंतिम समय में सारे बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। उन्होंने एक श्लोक बताया ऋषभ देव ने, गुरुर न सस्या पिता न सस्या दैवम न तत् सारनम न पतिन सस्या न मुचेत जह समपेत मृत्यु। कहते हैं बच्चों वही गुरु गुरु है, वही पिता पिता है, वही माता माता है, वही बंधु भाई वही है। हम जो भगवान को भूल करके ये 84 लाख ज्योति में भटक रहे हैं, अगर वो हमें प्रभु की भक्ति में मदद नहीं करते हैं, वो पिता माता भाई बंधु नहीं। ये अंतिम उपदेश ऋषभ देव का अपना बच्चा बच्चों को उपदेश दे करके बाद में फिर उन्होंने प्रभु की भक्ति करने के लिए ऋषभ देव गए हैं। इसलिए श्री बलि महाराज ने देखा ये सचमुच से पत्नी है। बोले प्रभु ये बताओ दान बढ़ाना दानी बढ़ा? बोले दानी बढ़ा। बोले आप तो दानी लिए हो, दानी अभी स्वयं बाकी है, इसलिए प्रभु मेरे सर पर चरण रखो। जब उनकी चरण को सर पर रखे, सारे देवता देख देख कर हैरान हो रहे थे। जिन चरण को पाने के लिए शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश सब जाओ निरंतर ध्यान में, लेकिन आज वो दुर्लभ चरण को भगवान सर पर रखे, सारे देवता स्वर्ग से पुष्प की बौछार और श्री बलि महाराज की जय जयकार करते हैं। बोले श्री बलि महाराज की जय, श्री भगवान की जय, जय श्री भगवान के लिए। आप अभी भगवान उनको आशीर्वाद दे करके उनको सुतल लोक में स्थान दिए। बोले वर मांगो। बोले प्रभु यही वरदान दो, जब जब मैं घर से बाहर निकलूं आपका दर्शन करते हुए, जब अंदर में आपका दर्शन करते हुए भगवान कथा तो बोल दिए और भगवान की चौकीदार भगवान बन गए। अभी भगवान बामन देव आपको पास में ये भिक्षा मांगने के लिए जाएगा, और ठाकुर जी को भिक्षा देने का बड़ा पुण्य है, क्योंकि सुदामा जी ने ठाकुर जी को 2 मुट्ठी चिड़वा दिया, ठाकुर जी त्रिभुवन का राज्य दे दिया, और ठाकुर जी हमें जिंदगी भर पालने किया है, इसलिए भगवान स्वयं आज भिखारी बन करके हमारे पास में भिक्षा लेने के लिए आएंगे। भगवान को प्राप्त आप लोगों ने भिक्षा देना, जाओ तुम तो सबसे भिक्षा मांग कर लाओ। Oh,
भगवान भगत भजन
कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञां च भयवंशाना चरितम् परमाद्भुतम्। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ये भागवत में दो वंश का वर्णन आया है, एक सूर्य वंश और एक चंद्र वंश। यद्यपि सूर्य वंश में बहुत सारे राजा आए हैं लेकिन सबसे प्यारी किसकी कथा है, बोले भगवान की, राम की कथा है। बोले यद्यपि चंद्र वंश में भी बड़े बड़े राजा लोग आए लेकिन उसमें सबसे प्यारी कथा किसकी है, बोले भगवान कृष्ण की कथा है। ये दोनों की कथा सबसे बढ़िया और सबसे प्यारी कथा। कहते भैया भगवान की कथा कैसे है, इसलिए शास्त्र में बताया भगवान कौन है, बोले रस वैस रसन जवाया लब्ध्वानंद भवती। भगवान स्वयं रस स्वरूप है, भगवान स्वयं ये आनंद स्वरूप भगवान। इसलिए श्री वल्लभाचार्य ने एक मधुरा अष्टक लिखा है, बोले भगवान का सब कुछ मीठा है, जैसे रसगुल्ले की जिधर से खाओ उधर ही रसी रस है, उसी तरह हमारा जो कन्हैया कृष्ण है ये पूरा रस में ही ये भरे हुए हैं। इसलिए वो मधुराष्टक में गाते हैं, बोले अधरंग मधुरम बदनंग मधुरम नायनंग मधुरम मधुराष्टक गाया है, बोले भगवान का सभी मीठा है, उनका बोलना भी मीठा, उनकी चलना भी मीठा, उनको देखना भी मीठा, उनकी बोली भी मीठी, सब भगवान पूरा मीठा ही मीठा है। इसलिए जैसे तीन गंगा, एक गंगा स्वर्ग में जो मंदाकिनी वो स्वर्ग लोक में कल्याण करती है और एक गंगा इसे मरते जगत में बहती जिसका नाम भागीरथी, ये पृथ्वी लोक को कल्याण करती है। एक पाताल में गंगा जिसका नाम श्री भोगवती, ये पाताल लोगों को कल्याण करती है। उसी तरह जो कृष्ण कथा तीन लोगों को कल्याण करती है, कौन सा, एक तो तीन लोग है और एक तीन लोग कौन है, जो कथा बोलते हैं, जो कथा सुनते हैं और ये कथा संबंधी जो प्रश्न करते हैं, ये तीनों को कृष्ण कथा कल्याण करने वाली है। इसलिए कृष्ण कथा में इतने मीठा इतने मधुर है, कहते निप्रीत तस्य रूपगीयमाना। यहाँ तक भी सुखदेव गोस्वामी जैसे ब्रह्म ज्ञानी, चतुसन जैसे ब्रह्म ज्ञानी, लेकिन कृष्ण कथा इतने मीठा उनको भी आकर्षण करता है। अगर कोई भगवत सागर से पार होना चाहते हैं, आपको कुछ भी करने का जरूरत नहीं, केवल कृष्ण कथा ही सुना, कथा सुनते सुनते भगवत सागर से अपने आप पार हो जाओगे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए जिस समय ये दशम स्कंध की कथा आई, अभी श्री सुखदेव गोस्वामी एक श्लोक को बोल करके जैसे अगस्त ऋषि ने पूरा के पूरा समुद्र पानी को उन्होंने पान कर लिया, इन्होंने एक श्लोक को द्वारा पूरा कृष्ण कथा को पी ली। कैसे कृष्ण मथुरा में प्रकट हुए, कृष्ण कैसे गोकुल में गए, वहां पर नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, वहां पर कैसे नंद उत्सव भयो, कैसे पुतना को मारे, अघासुर सकटासुर को मारे, इन्होंने कैसे सतकर्ण गोपियों को साथ में प्रभु कैसे रास रचाए, प्रभु कैसे कंस को मथुरा में उद्धार किए, प्रभु जी द्वारका में गए, 16108 पटरानियों से शादी हुई, हर पत्नी से 10-10 बेटे एक के बेटा हुई, प्रभु ने
ऋषियों का अभिशाप को ग्रहण किए प्रभास क्षेत्र में जाकर के अंतिम लीला को प्रभु जी समाप्त कर दिए। इतना बोले उन्होंने जयकार दे दिया, बोले कृष्ण के नैया लाल की जय, और जयकार देकर ना चुपचाप बैठ गए। परीक्षित महाराज को देखने लग गए, बोले भैया क्या कृष्ण कथा हो गया, बोले पूरी बोल दी ना, बोले मैं भैया चार चार दिन से मैं टक टक लगा कर बैठा हुआ हूँ केवल कृष्ण कथा सुनने के लिए, क्योंकि कृष्ण मेरे कुल देवता है। लेकिन आप तक एक श्लोक में पूरे के पूरी कृष्ण कथा को पान कर लिया, सुन करके मैं तृप्त नहीं हुआ, इसलिए मेरे को विस्तृत रूप में कथा सुनाओ। यहाँ प्रश्न आता है, फिर ये सुखदेव गोस्वामी एक श्लोक से क्यों कृष्ण कथा को बोल दिए? इसका दो कारण बताया। पहला कारण बताया, जैसे गर्मी हो, जेठ की महीना, आप धूप में आ रहे हो, प्यास के मारे तुम्हारी छाती फट रही है, लेकिन किसी ने एक ग्लास आपको जूस दे दिया, आप क्या करोगे बताओ? एक साथ में ढक ढक करके एक साथ में पूरा पूरा पी लोगे कि नहीं? क्योंकि प्यास के मारे तुम्हारी छाती फट रही थी। उसी तरह श्री सुखदेव गोस्वामी ये कौन है? बोले प्रिया सुख श्री वृषभानुजाया पवित्र चंचो प्रिय चुंबनेना एकांत कनन रहस्य पाठी निकुंज प्रासाद सदा निवासी। ये तोता कोई सुखदेव गोस्वामी साधारण नहीं, ये राधा रानी की प्रिय तोता है, जिसको राधा रानी अपना हाथ में बैठा करके आनारा की दाना खिलाया करती थी। बोलती थी बोलो तो कृष्ण कृष्ण, वो तोता भी बोलता था कृष्ण कृष्ण। इसलिए राधा जी की निकुंज में निवास करने वाली कभी कभी राधा रानी इसको कृष्ण मान करके कभी कभी इसको चुंबन करते थे। इसलिए राधा रानी की ये प्रिय तोता, इनकी भी इच्छा है कब ये चौथा दिन आए, कब कृष्ण कथा है, और मैं जी भर करके कृष्ण कथा बोलूं, इनकी भी यही इच्छा। इसलिए जब कृष्ण कथा उनके हृदय में, जैसे टीवी में जैसे सीरियल आती है, जब उसके हृदय में कृष्ण कथा प्रकट हुई, उन्होंने तो प्यास के मारे इनका हृदय फट रहा था, उन्होंने एक श्लोक में ना पूरी कृष्ण कथा को पी लिया, अगस्त ऋषि जैसे पूरा के पूरा समुद्र को पान कर लिया। ये एक कारण है। बोले दूसरा कारण क्या है? ये परीक्षा कर रहे थे, ये परीक्षित महाराज जो बैठे हैं क्या सचमुच से कृष्ण कथा सुनने चाहते, इसलिए थोड़ा परीक्षा करो, इसलिए उन्होंने एक श्लोक बोल करके बंद कर दिए। वो देखना चाह रहे थे ये क्या बोलता है सुखदेव गोस्वामी। बोले परीक्षित, चार चार दिन हो गया एक जगह पर बैठे हुए हो, देखो पहले जो कथा होती थी ना इतने दो तीन घंटा, वो 24 घंटा कथा चल रही थी, 7 दिन तक सबके सब बिना खाए पिए बैठ कर कथा सुन रहे थे। पहले कथा यही से हुआ करती थी, पूरा 7 दिन के 7 दिन हैं कथा सुनते थे बैठ करके। बोले चार चार दिन हो गया, अभी तक एक बूंद भी पानी तुमने नहीं पी, थोड़ा पानी पी लो, थोड़ा चुस्ती हो जाओ, सुस्ती हो जाओ। बोले प्रभु पानी के लिए तो कितना गड़बड़ी हुई है, मैंने पानी मांगने के लिए गया, ऋषि पानी नहीं दिए, तभी मैंने गले में सर्पों की माला डाल दिए और श्रृंगी ऋषि ने अभिशाप दी, तभी तो ये जितने गड़बड़ी हुई। फिर आप कह रहे हो पानी पियो, प्रभु आप जो कथा मृत को पान करा रहे हो इसी सही में तृप्त हो रहा हूँ, अगर आप कथा बंद कर दोगे ना मेरे हृदय में फिर प्यास लगने लग जाएगी, आप कृष्ण कथा को बंद मत करो। आपका जो बुखार बिंद चंद्रमा है, जैसे ये चंद्रमा का किरणों को एक चातक चिड़िया होता है जैसे पान करता है, आपकी बुखार बिंद से कृष्ण कथा की जो मंदाकिनी की नदी बह रही है, मैं उसी में गोता लगा लगा करके उसमें ही तृप्त हो रहा हूँ। इसलिए प्रभु कृष्ण कथा को बंद मत किया करो, आप कृष्ण कथा सुनाते रहो। बस खुश हो गए। फिर तो तीन दिन तक उन्होंने श्री कृष्ण कृष्ण पूरा कृष्ण कृष्ण कथा सुनाए। हम भी आज से कल से तीन दिन तक केवल कृष्ण 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 कथा सुनेंगे। बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की। आज जो हम कथा सुनेंगे ये ब्रज की कथा सुन लेते हैं, ठीक है? कहते श्री परजन बाबा नंद बाबा की जो पिताजी, इनकी 5 बेटे थे, उपानंद सुनंद नंद अभिनंद और नंदन।
पहले प्रभु जी बता रहे थे ना, पहले ये नियम होता था, ये चार ही आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी। जैसे अभी बच्चे लोग स्कूल पढ़ने जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, 20-25 साल तक पढ़ते हैं, पहले बच्चे लोग जाते थे गुरुकुल में। अब रामायण देखे होंगे, देखे कि नहीं, कृष्ण लीला भी देखे होंगे, कैसे कृष्ण, बलराम, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न गुरुकुल में जाते हैं, गुरुकुल में पढ़ करके फिर आते हैं। जब गुरुकुल में जाते थे 25 साल तक तो गुरु जी की सेवा करते थे, वेद, पुराण, उपनिषद सारे ग्रंथ पढ़ते थे, फिर गुरुदेव प्रश्न करते थे, बोले बेटा बताओ अभी क्या इच्छा है। जो बच्चा सारी गीता, रामायण, भागवत को पढ़ करके उसको ये ज्ञान होता था, ये मानव शरीर भगवान बारंबार नहीं देते हैं, ये बड़ी भाग मान सतन बाबा सुर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा, ये मानव शरीर देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, देवताओं के लिए भी मानव जन्म सुलभ नहीं। यहाँ पुण्य कर्म करके स्वर्ग जा सकते हो, लेकिन इस स्वर्ग में ऐसे कोई काम नहीं करके फिर तुम मानव जन्म पा सकते हो, स्वर्ग में ऐसे कोई काम नहीं है। इसलिए ब्रह्मा शंकर, हम सुनते हैं ना, ब्रह्मा जी शंकर जी को, देवता को अगर कथा सुनना हो तो वो भी को राज्य छोड़ करके मरते जगत में आते हैं। इसलिए ये मानव शरीर और विशेष करके भारत में और विशेष करके बड़ौत में जन्म लेना तो बड़े भाग्य से कोई नहीं, ये बड़ौत मानव शरीर धारण करते हैं, इतने ये दुर्लभ है। अगर जिसको ये बात पता चलता है ना, वो कहता है गुरु जी और हम संसार में जाना नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं आपकी चरण की सेवा करते हुए ये जीवन को मुक्ति मार्ग में ले जाए, प्रभु की चरण को प्राप्त कर ले। लेकिन जिसकी ज्यादा ही संसार की इच्छा, शादी बगैर रह ही नहीं सकते, गुरुदेव बोलते थे बेटा अपना घर में जाओ, लव मैरिज नहीं करना, अपना वर्ण आश्रम के अनुरूप शादी करो, पिता माता जहां में शादी करवाए वहीं पर, अधर्म को साथ में शादी करना, और दोनों मिल करके भगवान की भक्ति करो। इसलिए इसको गृहस्थ आश्रम कहते हैं, एक गृह में भी एक गृह व्रत और एक गृहस्थ, इसमें फर्क है। गृह में भी मतलब जिनकी दिमाग में सवेरे उठते ही घर में हल्दी है कि नहीं, नमक है कि नहीं, घर में चावल है कि नहीं, आटा है कि नहीं, सब्जी है कि नहीं, टमाटर है कि नहीं, जिनकी दिमाग में यही दिन भर घूमते रहे, इसे दिमाग में संसार छोड़ कर कोई चिंता नहीं, भगवान भगवान कोई चिंता नहीं, केवल खाओ पियो कमाओ और मर जाओ, जैसे जानवर मर जाते हैं, उसको कहते हैं गृह मेधी। हाँ, गृह व्रत, जिसने संसार को ही अपना जीवन का व्रत बना दिया, इसको ऊपर और कुछ है नहीं, कहते ये दोनों ही जीवन बेकार का, जीवन बेकार है। बोले गृहस्थ कौन है, तब श्री नारद जी युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं, कहते गृह उपस्थित राजन क्रिया कुर्बन जथोचिता वासुदेव अर्पण साक्षात उपासित महामुनि। जब पंच पांडव की शादी हो गई, इनकी बहू बच्चे हो गए, एक दिन नारद जी आए, तब श्री युधिष्ठिर महाराज नारद को प्रश्न करते हैं, बोले युधिष्ठिर कहते प्रभु ये बताओ हम घर में रह करके कैसे रहे, जो घर में बैठ बैठ करके हमें मुक्ति मिल जाए। तब श्री नारद जी ये बात कहते हैं, बोले सद मार्गों को द्वारा पैसा कमाओ, उल्टा सीधा द्वारा नहीं, झूठ बेईमानी करके नहीं, सात उपाय को जरा अर्थ कमाओ, और अपना संपूर्ण संसार को लेकर के जो कुछ करते हो ठाकुर का सेंटर बनाओ, घर में झाड़ू लगाओ, समझो भगवान के दरबार में झाड़ू लगा रहे हो, पैसा कमाओ, पैसा लक्ष्मी है, लक्ष्मी के बगैर कुछ नहीं हो सकती है, लक्ष्मी तुम्हारे नहीं, याद रखो लक्ष्मी ठाकुर जी की, लक्ष्मी नारायण की, इसलिए पैसा कमा रहे हो चूंकि ठाकुर को सेवा में लगेगी, बच्चे हैं ठाकुर ने बच्चे दिए हैं, ये ठाकुर जी के बच्चे, हम इसलिए पालन कर रहे हैं, बच्चे बने करके भजन करेंगे। पत्नी कौन है, बोले कृष्ण दासी, मैं कौन हूँ, भगवान का सेवक, जिसने पूरा संसार को प्रभु की भक्ति में बना करके घर में रहे वही सही गृहस्थ है, वो घर में अगर रहोगे तो वही तुम्हारी वृंदावन है, फिर ये संसार का बंधन नहीं, फिर यही तुम्हें भगवत प्राप्ति करा देगा। इसलिए कहते घर में जाओ, धर्म को साथ में रहो, लेकिन कब तक, बल 50 साल, उसको ऊपर भी नहीं। सुन रहे थे ना, एका बन बा बन चौ बन, मतलब 50 के बाद में घर नहीं, वृंदावन में जाओ,
वृंदावन में जाकर के सत्संग करते हुए भजन करो, नहीं तो 68, 60, 61, 62 नहीं तो सठिया बन जाओगे, फिर तेरे से कुछ होने वाले नहीं। हाँ, ये सठिया की भी कल्याण हो सकता है। गोस्वामी जी कहते हैं सठ सुधर सत संगत पाई, अगर इनको सत्संग अगर मिल जाए, संतों की संग, ये सठों का भी कल्याण हो सकता है, हो सकता है। इसलिए अगर भैया वृंदावन में नहीं जा पाए, कोई बात नहीं, अरे अपना घर को तो वृंदावन बनाओ, घर में बैठ कर तो गीता भागवत रामायण पढ़ो, कम से कम इतना तो करो ना, दिन भर ताश में और कप्पे में चुगली में लग जाओ। नहीं, ये जीवन दुर्लभ जीवन है। इसलिए श्री तर्जन बाबा की 50 साल हो गया तो चारों बच्चों को बुलाए, 5 बच्चों को, बोले हम पति पत्नी दोनों बाहर प्रस्थ जा रहे हैं, और बड़े बेटे को सिंहासन में बैठा करके, तब बड़ा बेटा ने कहा पिताजी जब भी मैं बड़ा बेटा हूँ राजा बनने का लायक नंद है, अब नंदो को ही राज सिंहासन पर बैठा हो। बैठा करके जब जा रहे थे बच्चों ने कहा पिताजी कुछ प्रश्न का उत्तर दे करके जाओ, बोले बताओ क्या प्रश्न है, बोले पहला प्रश्न है हम संसार में डरे क्यों हैं, देखना सब व्यक्ति संसार में डरे हुए हैं, बेटा नहीं चले जाए, पैसा नहीं चले जाए, बेटी नहीं चले जाए, ये नहीं हो, सब डरे हुए हैं, बोले पिताजी ये संसार में इतने क्यों डरे हैं, बोले ये प्रारब्ध है, ये पूर्व जन्म का कर्म से हम डरे हुए हैं, बोले पिताजी ये जीवन का लक्ष्य क्या है, बोले जीवन का लक्ष्य है भगवत प्रेम, अगर इसी जीवन में तुम प्रभु का प्रेम प्राप्त कर लिया, भगवत प्राप्ति कर लिया, समझो ये जीवन का लक्ष्य तुम्हारी पूरी हो गया। जीवन का लक्ष्य नहीं पैसा कमा लिया, बेटा बेटी अमेरिका लंदन में शादी करा दिया, दुकान मकान बना दिया, ये जीवन का लक्ष्य नहीं। बोले पिताजी जीवन में हमें रक्षा कौन करेगा, बोले रक्षा करेगा संत लोग, ये बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। इसलिए बच्चे तभी ये मानव जन्म का सार्थकता होगा जब तुम संतों का संग में जब प्रभु की कथा सुनोगे, तभी ये जीवन तुम्हारी सुरक्षित रहेगा, नहीं तो रक्षा हो ही नहीं सकती है। उन्होंने फिर चले गए, अभी 4 ही बच्चों का तो बेट संतान है, लेकिन श्री नंद बाबा के घर में कोई लाला नहीं, इसलिए उन्होंने बड़ी यज्ञा तपस्या, फिर आशीश्वर महादेव की जब पूजा की, आकाशवाणी हुई, परजन बाबा को बोले, बोले चिंता मत करो, तेरे मझला बेटा जो नंद है ना, उसको ऐसे एक बेटा होने वाला है जिस बेटा से तुम्हारी जो कुल है, तुम्हारी जो खानदान है, पूर्वज पूरा के पूरा धन्य हो जाएगा, सारा दुनिया में तुम्हारी जस फैलेगा, साधारण बच्चा होने वाला नहीं। इसलिए एक दिन नंद और जसोदा दोनों ब्रह्म मुहूर्त में स्वप्न देखे, बोले श्याम चंचल चारु दीर्घ नयन बाल स्तवांक स्थले पयोधार स्फुटमसो क्रीड़ांगमयम लोक्यते। ब्रह्म मुहूर्त में कोई स्वप्न होना करके वो सच होता है। अभी दोनों स्वप्न देख करके नींद खुल गई, नंद बाबा बोले जसोदे जसोदे मैंने एक प्यारी स्वप्न देखी है, स्वप्न नहीं लगा सचमुच से कोई बात है। इतने में जसोदा बोली मैंने भी एक सुंदर स्वप्न देखी है, पहले आप बताओ फिर मैं बताऊंगी। नंद बाबा बोले मैंने देखा रात तुम्हारी गोद में एक श्याम सलोना सा एक अपूर्व एक बालक पड़ रहा है, और तुम्हारी स्तन पान करते समय ये दोनों धारों से दूध बहते बहते इसका कुर्ता भीग रहा था। मेरे को स्वप्न नहीं लगा, सचमुच से मेरे गोद में तेरे गोद में के लाला है। जसोदा बोली मेरी स्वप्न की बात सुन लो, बोले बोलो, बोले मैंने भी स्वप्न देखा, मेरे पीछे एक सुंदर बालक पीछे पीछे आ रहा है और मेरे कपड़े पकड़ करके साड़ी पकड़ कर खींच रही है, बोले भैया मेरे को गोद में ले ले, भैया मेरे को दूध पिला ले। वो मचल रहा था सचमुच से, मैया जसोदा रात को गर्भ धारण की और ब्रज में हला हो गया, बोले भैया ये बूढ़ी उम्र में भी जो उम्र बीत गई थी संतान होने का कोई चांस नहीं था, इसी समय में भी उन्होंने गर्भ धारण की। बोले भैया संतों की बड़ी कृपा है, क्योंकि उन्होंने जी भर करके उन्होंने संतों की उसने सेवा की। मैया जसोदा अपना हाथों से रोसी बनाकर खिलाई करती थी और संतों लोग हृदय से उनको आशीर्वाद दिए, तो बोले भैया संतों की कृपा तो बड़ी कृपा है। अभी जब कृष्ण जब गर्भ धारण की
अभी ब्रज की जितनी गोपियां थी आप लोग जैसे छह छह महीना पहले चौरासी चौरासी गज के लहंगा बना करके रखे, चुंदरी बना करके रखे, नंद के लाला होगा ना, हम इसको पहन करके बधाई देने जाएगी, बोले श्री नंद के लाला की। इसलिए जिस समय मैया गर्भधारण थी, अभी नंद बाबा का जो बहिनी वो छह महीना पहले से आकर बैठी, बोले क्यों, बोले भैया की लाला होने वाला है, अरे मेरे को तो नवल आज की हार मिलेगी, वो छह महीना पहले आकर घर में बैठी गई, क्योंकि मेरे को नवल आज की हार मिलेगी, अभी घर का सारे काम काज वही कर रही थी, ऐसे लग रहा था आज रात को ही लाला की जन्म हो जाएगी, आज ही जन्म होने की हो जाएगी। इतने में जोग माया ने किया कि सबको उन्होंने सुला दी, लेकिन कब श्री वसुदेव महाराज आए मथुरा से और उन्होंने एक बेटे वहां पर जन्म हुई, लेकिन मैया ने दो संतान जन्म दिए, पहले कृष्ण को फिर जोग माया को, लेकिन ब्रज में जो कृष्ण गोकुल को जो कृष्ण ये मूल कृष्ण और श्री मथुरा का जो कृष्ण ये अंश कृष्ण, जो मूल कृष्ण अंश कृष्ण को मिला गया साथ में, लेकिन उनको ये बात पता ही नहीं चला, दोनों मिल करके एक हो गए और यहाँ से बेटी को लेकर के उन्होंने चले गए। सवेरे सुनंदा की नींद खोली, देखा सबके सब सोए पड़े हुए, बोले भैया भाभी का क्या हालत है, दरवाजा खोल करके देखा मैया जसदा की गोद में एक सुंदर श्याम सलोना का बालक बोल रहा है और किलकारी मारते हुए खेल रहा है, बोले श्री नंद के लाला कोई जयकार नहीं दे रहे, क्या कृष्ण जन्म हुई आपका आनंद नहीं हो रहा है, बोले श्री नंद के लाला की। अभी सुनंदा सोच रही है ये पहला खबर श्री नंद बाबा को देनी चाहिए, मेरे को नवला की हार मिलेगी, लेकिन भैया है कहा देखो तो सही, देखा ब्रह्मांड घाट में बड़े बूढ़ों को बीच में बैठ करके माला जप कर रही, वो माला जप नहीं हो रहा था, सोच रहे थे घर में छोरा कब हैगो, लाला कब हैगो, छोरा कब हैगो, लाला कब हैगो। इतने में श्री सुनंदा बोल दिए, बोले भैया कमाल है गये है, बोलते ही तो नंद बाबा छलांग लगा दिए, बोले बहन कहा भयो है, बोले बताओ क्या मिलेगा बाद में फिर बोलूंगी, बोले ले नवला की हार तू ले ले, बोले भैया बात इतने बड़ी जिसको सामने नवला कहा तुम्हें फीकी लग रहा है, हाँ फीकी, बोले क्या नवला की हार तेरे को फीकी लग रहा है, बोले हाँ भैया बात इतने बड़ी बताओ क्या मिलेगा, बोले ले जमुना किनारे में जितने जमीनी जगह है ना गैया चलते सारे तेरे नाम पर लिखा देता हूँ, लेकिन बोलो तो कहा भयो है, बोले भैया बात इतने बड़ी वो भी उसको सामने फीकी है, बोले क्या उसको सामने फीकी और क्या दोगे, बोले ले ट्रेजरी का सारे चाबी काट ले, जो इच्छा खोल करके लेना, लेकिन ये बता तो सही घर में कहा भयो, बोले भैया बात इतने बड़ी है जिसको सामने तेरे ट्रेजरी का चाबी काटेगी कुछ नहीं, बोले इतने बड़ी बात, बोले हाँ और क्या दोगे, बोले तो सब कुछ दे दिया, बोले आज से मैं तेरा ही हो गया, लेकिन बता तो सही घर में कहा भयो है, बोले भैया तेरे घर में लाला भयो है, लाला भयो है, बोले नंद के लाला की। अभी ये खबर पाते ही नंद बाबा तो वहीं से दौड़े और लाला को दर्शन करने के लिए कितने दिन से तरस रहे थे, जब उनकी मुख दर्शन की उन्होंने 20 लाख गैया उन्होंने संकल्प कर लिया दान देने के लिए, फिर उन्होंने 7 तिल का पर्वत, ये 3 दान बड़ा महत्वपूर्ण है, ब्राह्मण को दान देने का संकल्प कर ली और साधु संतों को बुला करके मंगलाचरण करवाए, बोले जाओ ब्रज में ढिंढोरा पिटवा दो, मेरे घर में लाला भयो है, सबके सब बधाई देने के लिए आए और कितना गोपियां थी और 16 श्रृंगार द्वादश आभरण पहन करके दूध दही घी मक्खन लेकर के सुंदर श्रृंगार करते हुए बधाई देने आ रही थी, कान की कुंडल जोर जोर से हिल रहा था, बोले क्यों, बोले तुम पहुंचने पहले हमें ही छोड़ दो हम लाला को बधाई देंगे, चोटी की फूल भी गिरते गिरते चरण में गिर रहा था, बोले क्यों, बोले जो व्यक्ति कृष्ण को बधाई देने जा रही है उनकी चरण की पूजा करनी चाहिए, अगर चोटी में रहेंगे तो बहा देंगे नदी में, अगर ब्रज रज में मिल जाएंगे कृष्ण बड़े होने पर जब गली गली हमें ठुमुक ठुमुक करके चलेंगे उनकी चरण की स्पर्श हमें मिलेगा। इसलिए जितने गोपियां थी ना वो सबके सब
मैया जसोदा को बधाई दे रही थी। देखो आप सब गोपियां हो, मैं बोलूंगा मैया जसोदा बधाई हो, आप लोग बोलना बधाई हो बधाई हो। देखो आपको बाद में फिर गोपों का नंबर आएगा, हारनी नहीं चाहिए। इतने जोर से बोले इच्छा तोड़ी जाए पूरा पूरा कांडल, ठीक है। बोले मैया जसोदा बधाई हो, आवाज तो आई लेकिन और थोड़ी जोर से आनी चाहिए। और एक बार ताकत लगाओ, प्रभु जी कहते हैं ना थोड़ा ताकत लगाओ। और एक बार बोले मैया जसोदा बधाई हो, अभी मैया जसोदा बोली हे ब्रज की गोपियों, तुम लोगों को आशीर्वाद से ये बूढ़ी उम्र में भी मेरे को लाला का मुख दर्शन करने को मिलो है। ये लाला मेरा नहीं, लाला खुद लो। और जितने गोपियां थी हृदय से लाला को आशीर्वाद दे रही थी, बोले युग युग जियोरी यशोदा मैया तेरो ललना, युग युग जियोरी यशोदा मैया तेरो ललना, मैया तेरो भैया साधन हारनी नहीं चाहिए, हारनी नहीं चाहिए। इतने जोर से बोलो जैसे हारे नहीं। कितने भाई लोग हैं मैया लोग, तो पहले गोपियां बोल दी, अभी नंद बाबा के दल आ रहे। मैं बोलूंगा नंद बाबा बधाई हो, आप बोलना बधाई हो बधाई जोर से, ठीक है। बोले नंद बाबा बधाई हो, बधाई हो। माइक में बोलती है ना, माइक में बाबा गड़बड़ी कर दी। ये दो है ना, लेकिन जो कुछ मैंने पढ़ना तीन गोपियों का है। देखो जो हमारे कन्या है ना, ये भक्त वत्सल है, खुद हार करके उनका आनंद लगता है। जब राधा रानी जीत जाती है ना, कन्या खुश हो जाती है, क्योंकि राधा रानी और कोई नहीं, वो कृष्ण का ही प्रकाश है, इसलिए कृष्ण उसी में ही खुश होते हैं। गोप लोग तो तभी खुश होएंगे जब गोपियां जीत जाए, ठीक है ना। इसलिए कोई जितना हरना नहीं दोनों ही बराबर है, लेकिन राधा रानी का पल्ला तभी बढ़ गया। बोले श्रीमती राधा रानी की, इसलिए सारे ब्रजवासी आए और सबके सब बड़े धूमधाम से गा रहे थे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। अभी प्रभु जी बड़े सुंदर सुंदर आपको भजन गवाएंगे और सबके सब आप लोग नाचना, क्योंकि आज भगवान जन्म हुए हैं। ठाकुर जी की जन्म उत्सव में एक बार जो ही नाचेगा, फिर कभी आपको 84 लाख जोड़ी में नाचना नहीं पड़ेगा है। इसलिए कोई हम सबके सब 84 लाख जोड़ी में नाच रहे हैं, इसलिए नाच रहे क्योंकि भगवान कीर्तन में नहीं नाच रहे। आज जो नाचेगा कभी उसको संसार में भटकना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अभी हमारे प्रभु जी बड़े सुंदर सुंदर बधाई गाएंगे और कल से राधा रानी की जन्म उत्सव होगा। आज तो सबके सब पीले रंग के साड़ी पहन करके आए, फिर कल कौन सा रंग का पहन करके आओगे? गुलाबी 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 रंग की, ठीक है। और हमारे भैया लोग भी हो सके तो धोती कुर्ता पहन करके आना, ठीक है। अगर किया नहीं हो तो सफेद रंग का कुर्ता पहन करके आओ। अभी प्रभु जी बधाई गाएंगे। बोलो विष्णु कन्हैया लाल की जय, बोलो राम कृष्ण लाल की, बोलो नंद के लाला की जय। श्री राम आज प्रसाद किसका है, किस तरह से नरेश गर्ग के तरफ से आज प्योर, और शिवम गर्ग तरफ से आज एकदम प्योर घी का हलवा चटा देकर भगवान की सेवा के लिए दिए। आज उनके लिए जोरदार ताली बजाओ। फलते फूलते रहे और क्या क्या कुछ दिया, और मठ का तरफ से कुछ बनाया है सब भक्त लोग मिल करके। हाँ छोले चावल और क्या है, आलू पूरी, ठीक है। रोज रोज भंडारा हो रहा है चटा के। हाँ बट्टी कल फूटेगी, सिर्फ कल कृष्ण, हाँ कोई बात नहीं, कल फूटेगी।
बोलो कृष्ण कन्हैया की जय जय श्री राधे तो आइए गोपाल जितने हैं अभी महाराज जी तीन दिन से आप लोगों को नचा रहे थे प्रैक्टिस करा रहे थे कि आज नचना है ठीक है तो सभी लोग खड़े हो जाए और कन्हैया के जन्म में सभी नाच नाच के बधाई देंगे उसके चरणों के द्वार लाला के दर्शन Thank you.
Yeah.
और मैं बोलूंगा आनंद हरे हरे आनंद भयो हरे। आप क्या बोलेंगे? जय कन्हैया लाल की। आप क्या बोलेंगे? जय कन्हैया लाल की। लेकिन जोर से बोलो भाई, क्या बोलोगे आप लोग? जय कन्हैया लाल की। हम लोग प्रेम से बोलेंगे। हे नंद घर आनंद भयो, अरे नंद घर आनंद भयो, I'm not afraid.
श्रीमद् भागवत महापुराण